नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अंजलि, एक किस दूं क्या? तेजस, मेरे होंठ तुम्हारे होंठों को चूमना चाहते हैं। उसके लिए भी बहुत टाइम है। मान जाना यार, एक बार तो करने दे। तेजस, नो। जरा इधर आ, चीज लाकर दे। वो मेरा असिस्टेंट है या मैं उसका असिस्टेंट हूं समझ में ही नहीं आता। कुछ भी बोलो, उसके कान पे जूं तक नहीं रंगती। पगार लेने सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है। क्या हुआ बॉस? अरे इस तरफ का हो गया, बॉस का शूट करो ना। तो कहां मरने चला गया था? इतना कहता हूं फिर भी कहीं ना कहीं भाग ही जाता बेशरम कहीं का। फूड टीवी से लेकर एफ टीवी तक में जितने भी खाने के एड आते हैं वो सब देखकर मैं अपने लिए एक नई रेसिपी तैयार कर रहा हूं बॉस। ए, पहले तू कांदा भाजी काटना सीख जा, समझा कि नहीं? ए संजू, कितनी बार तुझे समझाया कि काम के वक्त रूम स्प्रे मत मारा कर? बॉस, जानकी मैडम आई है, उनके परफ्यूम की स्मेल है। भगवान एक चीज छीनते हैं तो दूसरी उससे बढ़कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, तुम्हें घमंड को ज्यादा ही दिया है। हर चीज का एक तरीका होता है। खुशबू के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बजाय उसी में डूब जाते हैं तो स्मेल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ठीक है ठीक है, जिस काम से मैं आई थी वो तो भूल ही गई। हमारे चैनल में मैं तुम्हारा एक स्पेशल प्रोग्राम बना रही हूँ। जानते हो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? छोटे महाराज। तुमने बचपन में अपनी आँखें खोने के बाद आज तक जो जो भी अचीव किया है उसे फुल कवर कर चुकी हूँ। एक बार वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारे रेस्टोरों के सामने क्यू लग जाएगी। मुर्गे के बांक देने से सुबह नहीं हो जाती मैडम। रेस्टोरेंट में बैठकर जो खाने का टेस्ट ले और बाहर जाके 100 लोगों को कहे तो बात बनती है। हमारे रेस्टोरेंट के बारे में पूरी सिटी में पूछ लो, हर कोई ये कहेगा सुपर है। तुम्हारा प्रोग्राम टेलीकास्ट करने जा रही हूँ, उसके लिए कम से कम एक ट्रीट तो दे दो। ये रेस्टोरेंट ही तुम्हारा है, जो चाहिए ऑर्डर दे दो। इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए लोगों की क्यू लगती है, मैं उन्हें डिस्टर्ब करके परेशान नहीं करना चाहती। सोच रही थी कि किसी साइलेंट जगह पर चलते हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कोई बात नहीं। संजू, दो आइसक्रीम दीजिए। जी मैडम। क्यों रे, उधर मेरी जिंदगी में आग लगाकर यहाँ आकर आराम से ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा रही है। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। भाई हमारी राशन की दुकान में दाल चावल गेहूं सब खराब है, ये कह के पब्लिक हल्ला मचा रही है। वहाँ से एक एक को मार कर भगाओ, पब्लिक आई है बड़ी पब्लिक। वॉल्यूम बढ़ाओ। ऐसे भिखारियों को एक एक रुपए में बासमती चावल दूंगा क्या? ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए ना। तुम्हारे किए हुए काम का एक वीडियो बनाया है मैंने, ताकि जनता सब जान सके। देखना चाहो? अरे आपने बनाया है, जरूर दिखाइए। लास्ट इलेक्शन में 5 दिनों का 5 करोड़ हर किसी के घर में 1000-1000 रुपया बांटा हूँ। इलेक्शन सर पे खड़ा है, ये बात मीडिया तक पहुँचने से पहले सब क्लियर कर दो। हमारी ये पब्लिक है ना मैडम, रोड में भटकने वाले आवारा कुत्तों की तरह। देखो तुमने जो गलत किया वो जनता तक पहुँचाया है बस। अच्छा, तो अब मैं तेरे कपड़े फाड़ूंगा और तेरी इज्जत बर्बाद करूंगा, ये भी तू जनता तक पहुंचाना। लाइव शो के अंदर जिस तरह से तूने मुझे नंगा करके रख दिया ना, उसी तरह से अब मैं तुझे नंगा करके छोड़ दूंगा। क्या हुआ जानकी? हे, लगता ये अंधा रास्ता भूलकर यहाँ पहुंच गया। रास्ता मैं नहीं भूला हूँ, तू भटका है। तू कौन है रे? मैं इसका दोस्त हूँ, इसे जरा भी तकलीफ दी तो मैं तेरा दुश्मन हूँ। अरे अंधे, तू खुद अल्लाह के नाम पर भगवान के नाम पर जैसा है और तू मुझे क्या बचाएगा? हाँ भाई, इसे ले जाओ और किसी स्कूल के पास जाकर छोड़ दो इसे।
वहाँ पर आके नहीं है ना तो कुछ दे दे, कुछ दे दे, बोलते रहना बैठ कर। तू क्या मुंह देख के खड़े होकर, चल तेरी गलती की सजा मैं तुझे दूंगा, चल आ जा। अब तेरी लाइफ फेसबुक में डालूंगा, उसे मिस मत करना। चल चल, एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। जानकी यहाँ क्यों छिपी है, लाइट नहीं है, चला जा, लाइट बाहर है। कौन भाग रही है? जानकी जानकी hey, कौन हो तुम लोग? प्लीज इसे छोड़ दो सर। hey! तो खुशकिस्मत है कि मेरी आंखें नहीं हैं। अगर होती तो तू जहां तक भागता, मैं तुझे वहां तक दौड़ा दौड़ा कर मारता। नमस्ते दर्शकों, आज के इस छोटे महाराज के प्रोग्राम में मैं जानकी आप सबका स्वागत करती हूँ। आंखें ना होने के बावजूद अपने मन की आंखों से और हाथों की कलाकारी से इस रेस्टोरेंट के मालिक ने ऊंचाइयां हासिल कर ली है। इंडियन, जापानीज, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, हर देश का खाना बनाने में श्री बहुत फेमस हैं। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कर्नाटका एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने उन्हें सम्मानित भी किया है। माँ, शिव आ गया। आजा 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 आजा, अभी तुम्हें ही टीवी पर देख रही थी, पता है कितना प्यारा लग रहा था तू। बैठ जा, यही बैठ जा, कितने लोगों ने तुझे देखा होगा, कितनों की नजर लगी होगी। तुम्हारी नजर उतारती हूँ, तब तक यही बैठे रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? हाँ। ए जी, जरा इधर आइए, अच्छे से नजर उतारती हूँ। घर वालों की नजर, बाहर वालों की नजर, भूत पिशाच की नजर, सबकी नजर उतर जाए। ये सब क्या है माँ? तू चुप रह, तुझे ये सब समझ में नहीं आएगा। आ गए, ये लीजिए, इसे ले जाकर बाहर फेंक दीजिए। कंपनी के 3 करोड़ के प्रोजेक्ट का फाइल तैयार कर रहा हूँ, उसे छोड़कर तुम्हारा ये काम करूँ? 3 करोड़ के प्रोजेक्ट से आपको क्या मिलेगा, पगार ही ना। हाँ। उसके लिए इतना ड्रामा, हमारे लाल को देखिए, आज हर घर में टीवी पर मेरा ही बच्चा है। सही है सही है,
जब बेटा जवान हो जाता है तब घर में पति की हैसियत कोने में रखे झाड़ू के बराबर हो जाती है, मुझे पता है। तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना? कौन सी कहावत? मियां बीवी के झगड़े में बच्चा पैदा हुआ नहीं ना, लेकिन माँ बेटे के प्यार में बाप बर्बाद हो गया। आपने भाषण देना शुरू किया तो सुबह तक चलेगा, पहले इसे ले जाकर फेंक दीजिए, शरबत समझकर पी मत जाना। थाली के साथ इसे भी फेंकाता हूँ। शिव, आज तू टीवी पर छाया हुआ था। हाँ हाँ पता है। जानकी ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया था, मुझे बहुत खुशी हुई। टीवी में आने के लिए टीवी के सामने बैठना छोड़ना पड़ता है माँ, समझी? मेरी मेहनत को वो दुनिया के सामने बांट रही है। ये तुम्हारी सोच है। एक दोसा और दो। रेस्टोरेंट के ओनर हो फिर भी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना ही तुझे चाहिए, पता नहीं तू कब सुधरने वाला है। सुधरने के लिए कह रही हो या ताना मार रही हो? मैं आपका मकसद समझता हूँ। ये बात अब यहीं बंद करो। हाय रे किस्मत, पता नहीं कितने साल बहू के लिए तरसना पड़ेगा। कौन? एक्सक्यूज मी, कुछ खाने के लिए मिलेगा? सॉरी मैडम, रेस्टोरेंट बंद हो गया है। यहाँ पास ही में कुछ बुजुर्ग लोग भूखे बैठे हैं। यहाँ आसपास मुझे कोई रेस्टोरेंट नजर नहीं आ रहा और अभी रात भी बहुत हो चुकी है, ऐसे में कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं पाई। एक मिनट रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। मैडम ये लीजिए, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं, जो था वही ला कर दिया है। भूख में सब कुछ चलता है। माफी चाहूंगी, मुझे पता नहीं था आपको तकलीफ दी। हेलो, मुझे आपकी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, इस रेस्टोरेंट का मालिक मैं ही हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, आपकी आंखें ना होते हुए भी आपने जो कुछ किया है उससे आपने एक मिसाल कायम की है, दैट्स रियली नाइस। अगर आप फ्री है तो आइए, आप अपने हाथों से ही उन्हें खाना दीजिए। वन सेकेंड। हाँ आइए, ये लीजिए। मैं अब चलता हूँ। क्या मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मुझे सेरिया की गली गली पता है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। आइए, आज भी किसी को खाना खिलाना है क्या? आपको कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? आपके आने से पहले आपके परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। आप ग्रेट हैं। कल मैं आपके खाने के पैसे देना ही भूल गई थी, सोचा कि आज पैसे देकर आऊँ। नहीं नहीं, पैसा नहीं चाहिए, अच्छे काम का जो पुण्य मेरे हिस्से आया वो भी आपके हिस्से चला जाएगा। तो फिर ठीक है, चलिए मेरे साथ चलिए, आज थोड़ा और पुण्य कमाते हैं। फिर किसी को खाना खिलाने का इरादा है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारा इंतजार करते हैं, चलिए चलते हैं। मेरा नाम नंदिनी है, यही पास के मॉल में क्लोथिंग डिपार्टमेंट में मैं काम करती हूँ। मेरा नाम है शिव, आप जिस रेस्टोरेंट में आई थी उसका शेफ और ओनर दोनों मैं ही हूँ, ऊपर वाले ने बस आंखें ही नहीं दी हैं। इंट्रोड्यूस के समय हाथ मिलाने के लिए आपने हाथ आगे बढ़ाया था ना? मैंने तो नहीं बढ़ाया। नहीं आपने बढ़ाया था, मुझे पता है। आपको कैसे समझाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो ऐसे ही शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है शिव। तेरा बाप कहाँ है? फोन किया उसको, फोन भी नहीं उठा रहा है, वो हमसे बचकर कहीं जा नहीं सकता है, समझा दे उसको। नंदिनी कौन है ये? नहीं शिव कुछ नहीं, प्लीज। नंदिनी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं शिव। आंटी मैं शिव को बहुत चाहती हूँ। जितना हम उसे समझते हैं शायद उतना तू भी उसे समझती है। तुझसे अच्छी लड़की और कौन मिलेगी, उससे बात करके मैं मना लूंगा। शीरी कॉल नंदिनी। कॉलिंग नंदिनी, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो नंबर इस वक्त बंद है। You're having call from Janaki.
नंदिनी क्या हुआ जरा बताओ ना, तुम क्यों रो रही हो ये तो मुझे बता सकती हो ना? मेरे पापा ने एक लड़की को पसंद किया है, वो बड़े घर का लड़का है, उसके घर वाले भी मान गए हैं। मेरे पापा ने हैसियत से बढ़कर इधर उधर से कर्जा लेकर मेरी बहन की शादी करवा कर उसे विदा किया है। कर्जदार कब तक चुप रहेंगे? घर की परेशानी देखकर मैं भी जॉब करने लगी हूँ, पर जितना भी कमाती हूँ तब भी ब्याज तक पूरा नहीं होता। दिन ब दिन कर्जा और बढ़ता ही जा रहा है। आखिर आज कर्जदार हमारे घर आकर कहने लगे, अगर तू कर्जा नहीं चुका सकता है तो तेरे बेटे को हमारे पास भेज दे। ये सुनकर पापा ने गुस्से में कह दिया कि दो दिनों में कर्जा चुका दूंगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये नामुमकिन बात है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अकेले कर भी क्या सकती हूँ? इतने पैसे दो दिनों में कहाँ से आएंगे? अब मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, एक सब कुछ छोड़कर मैं कहीं दूर चली जाऊं, और दूसरा मैं कुछ खाकर अपने आप को। नहीं नहीं ऐसी बात मत करो नंदिनी, तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे बताओ ना। नहीं शिव, सिर्फ तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कर्जदारों के लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहती। वो मुझ पर छोड़ दो नंदिनी, मेरे पास कुछ पैसा रखा हुआ है और इस वक्त मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अपने पापा को देना और कहना कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं शिव। और उनसे ये भी कहना कि दोबारा फिर कहीं से कर्जा नहीं ले, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ बिना किसी डिमांड के पकड़ूंगा। देखो तुम तकलीफ में हो इसलिए मैं उसका फायदा ले रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। अब हमारी पहली मुलाकात में ही तुम मेरे दिल में बस गई थी। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो फिर बात अलग है, तुम जानती हो मेरी आंखें नहीं हैं। अगर ये बात है तो फिर भी हम दोस्त तो रह ही सकते हैं। मेरे अंधेपन के अलावा मुझे रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं एक स्मार्ट मर्द हूँ। तुम हंस पड़ी ना? नहीं तो? ऐ झूठ मत बोलो, तुम्हारी हंसी मेरे कानों तक पहुंची। तो हाँ समझो, ठीक है अब मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय। ए तो मुझे इतनी दूर तक ले आई हो, कुछ स्पेशल नहीं दोगी? गर्लफ्रेंड से बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, कम से कम एक किस का तो हक बनता है ना। हाँ मतलब यहाँ? हाँ यहाँ। ठीक है अब मैं चलती हूँ, बाय। हाँ ठीक है बाय। सुनो नंदिनी, हाँ? पापा से कहना मैंने याद किया। ठीक है बाय। सीरियस हेड इंजरी, वैसे अब वो ठीक है, ओवरडोज मेडिसिन देने की वजह से उन्हें होश आने में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक उन्हें आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। He will recover soon. Thank you, sir. एक बात बताइए, उनकी आंखों की रोशनी कब गई थी? सर मेरा बेटा जब 10 साल का था तब वो बहुत बीमार पड़ा था, उसके बाद धीरे धीरे इसकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने कहा था रेटिना डिजेनरेशन हो सकता है। बेचारा अपनी दोनों आंखें खोकर बैठ गया सर, फिर कई डॉक्टर्स को दिखाए लेकिन कोई फायदा नहीं। हम उन्हें पूरी तरह से चेक करके उनकी रोशनी वापस लाने की कोशिश करेंगे। आई स्पेशलिस्ट को बुलाता हूँ, उनके एग्जामिन के बाद ही देखता हूँ क्या हो सकता है। ओके सर। शिव को लाइट परसेप्शन है, अगर ऑपरेशन किया गया तो उसकी आंखों की रोशनी आ सकती है। आप सोच कर बताइए। सर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, बच्चे की आंखों की रोशनी लौट कर आ रही तो किस माँ बाप को खुशी नहीं होगी। सर खर्च की चिंता मत कीजिए, जल्द उसका ऑपरेशन कर दीजिए। ओके।
अरे भगवान, ये तेरा कौन सा अवतार है? मेरे बेटे ने मुझे 15 साल पहले ऐसे देखा था। हाँ। आज मैं उसी तरह तैयार होकर आई हूँ। अरे जब मैं तुझे देखने गया था तब भी तू ऐसी ड्रेस पहन कर आई थी ना? आपको पसंद किया, आपकी किस्मत समझिए, आज बेटे के लिए तैयार हुई हूँ। तो मैं भी कोई कम दिखता हूँ क्या? ए, अच्छी तरह बाल सवार कर, टाइट पैंट पहन कर जब मैं निकलता था तब लड़कियाँ पागलों जैसा सीधे मेरे पीछे आती थी। लास्ट में किक मारने के चक्कर में तू मेरे पल्ले पड़ गई। चुप हो जाइए, हॉस्पिटल में है। मैं किसका कॉन्सेप्ट सुना रहा हूँ? हमारा ना। माँ माँ सर सर आप प्लीज बैठ जाइए सर सर प्लीज सर सर प्लीज बैठ जा बेटा बैठ जा बेटा। माँ तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? तू रेस्टोरेंट से वापस आ रहा था तब सामने से एक कार तेजी से आई और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अब पापा कितने दिनों से यहाँ भर्ती? 3 हफ्ते हो गए बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? तू जरा भी फिक्र मत कर, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुझे एक सरप्राइज बात बताता हूँ, तेरी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, तेरी आंखों की रोशनी लौटने के चांसेस है। आंखों का ऑपरेशन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। शिव क्या बोल रहा है? मेरा बेटा बहुत टेंशन में है सर। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो शिव, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। नाउ ओपन योर आईज स्लोली, आराम से आके खोलो। शिव ये कितना है? 2। वेरी गुड, ग्रेट। देखो तुम्हारी आंखें कुछ दिनों के लिए सेंसिटिव रहेंगी, इसलिए धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी जाने मत देना। मैं तुम्हें एक ग्लास दूंगा, उसका यूज करना। सर आप मेरे साथ आइए प्लीज। यस। शिव यही जानकी है बेटा। माँ मुझे यहाँ पूछते हुए कोई आया था क्या? नहीं बेटा कोई नहीं आया। नहीं, नंदिनी नाम की लड़की मुझे ढूंढती हुई यहाँ आई थी क्या? ये नंदिनी कौन है? मेरी फ्रेंड है, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करना है। तुम्हारा सेलफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है आंटी, मैं अब चलती हूँ। जानकी, जानकी सुनो बेटा। क्या हुआ उसे? सुनिए क्या कह रहा है, कोई नंदिनी है बस उसी का नाम रट रहा है। माँ तुम्हारा फोन कहाँ है? तू कैसा इंसान है? जानकी ने दिन रात यहाँ बैठकर तुम्हारी सेवा की है, उससे तूने सही मुंह बात तक नहीं की, उसके सामने तू नंदिनी नंदिनी रटे जा रहा है। तो मुझे 2 मिनट के लिए अपना फोन नहीं दोगी क्या? तू गैर के लिए इतना क्यों तड़प रहा है? तेरी आंखों की रोशनी के लिए हमने दिन रात एक किए हैं, जो कुछ था सब खर्च किया, आंखें लौट आई तो खुशी मनाना छोड़कर नंदिनी नंदिनी कह रहा है, ये सही बात है? कितना क्या कितना खर्च हुआ मुझ पर, वही पूछ रहा हूँ। ठीक है खर्च हो गया ना, बताओ ना कितना? बेटा हमारी जितनी सेविंग थी वो कम पड़ी तो हमने उधार लिया है। शिव बेटा रुक जा बेटा। शिरी कॉल नंदिनी। कॉलिंग नंदिनी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त बंद है। बेटा तुमने उस लड़की को देखा तक नहीं है, उसका एड्रेस भी नहीं जानता, उसका कोई फ्रेंड है भी या नहीं है ये तू नहीं जानता, एक नॉन रीचेबल नंबर के सहारे तू उसे कहाँ ढूंढेगा? नहीं पापा, उसकी मदद करने का वादा किया था, उसे मुझ पर बहुत भरोसा था पापा। मेरे साथ जो हादसा हुआ वो उसे पता या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे धोखेबाज समझ कर कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं चली गई होगी। अच्छा खाना ये लीजिए। माँ जी जो लड़की मेरे साथ आती थी उसे आपने कहीं देखा है क्या? नहीं बेटा, सुबह से शाम तक 500 लोग आते हैं, किस किस को याद रखूं? ये लीजिए, जो लड़की मेरे साथ आई थी वो दोबारा यहाँ आई थी? मैं पास के मॉल में क्लोथिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। संजू जरा देख, किसी कर्जदार फैमिली की कोई सुसाइड की न्यूज है क्या? ठीक है बॉस देखता हूँ। नंदिनी पापा से कहना मैंने याद किया। शिव मैं तो ड्रॉप कर देती हूँ।
शिव, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। जब तुम्हारी आंखें नहीं थी तब तुम्हारे घर वालों को, यहाँ तक कि मुझे भी, तुम्हें लेकर कोई डर नहीं रहता था। लेकिन अब तुम एक मिनट भी दूर हो जाते हो तो हम सब परेशान हो जाते हैं। मेरे दिल में क्या चल रहा है ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जानकी? शिव, मैं तुम्हें पिछले 15 सालों से जानती हूँ। भले ही तुम मेरे मन की बात समझ नहीं पाते पर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं तुमसे बेहतर समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ, जो दूर है उसे तुमने यादों में बसाया है और जो तुम्हारे पास है उसे नज़रअंदाज कर रहे हो। जो लोग हमारे आसपास है वही हमारी लाइफ है। उन्हें दुख पहुंचाकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, पर एक बार सोचना जरूर। शिव, चलो चलकर पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। नहीं पापा, लड़की का मामला है, पुलिस स्टेशन जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। सुबह सुबह एक व्यक्ति ने अपने कर्जदारों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। दामोदर नाम के इस व्यक्ति ने अपनी बीवी और 10 साल के बच्चे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। माँ, माँ मेरी तरफ देखो माँ, अब सुनो माँ, माँ बचपन से अब तक आपने, पापा ने मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं ना, लेकिन इस वक्त पापा बहुत ही ज्यादा दुखी है मामा, अब सॉरी माँ। सच तो ये है, आंखें लौटने के बाद तू बहुत बदल गया है, सब कुछ सामने होकर भी अनजाने के पीछे भाग रहा है। सॉरी माँ। वो जान के तुमसे कितना प्यार करती है, जब तू हॉस्पिटल में था उसने दिन रात एक। मैं जानता हूँ माँ, मैं उससे बात करूंगा। अब हंसो ना माँ, थोड़ी सी मुस्कुरा दो, आप खुश रहोगी तो ये पूरा का पूरा घर खुश रहेगा। थोड़ी सी मुस्कुरा दो ना माँ, हंसो ना, थोड़ी सी हंसो ना, हंसो ना। हाय। हाय। बैठो। कुछ खाओगी? क्यों, चेयर पर बैठाकर कस्टमर की तरह ऑर्डर ले रहे हो? यहाँ पर मेरा भी कुछ हक है और ये मैं जानती हूँ। देखो, अगर तुम्हें वही पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए तो मुझे चाहते हो ये मत कहना। सच में मैं तुम्हें चाहता हूँ जानकी। मुझे जैसा मैं समझता हूँ वैसा अगर कोई समझता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम दिल से कह रहे हो ना? सच है तो मेरे दिल से पूछ लो, जवाब मिल जाएगा। कुछ सुना तुमने? संजू, लगता है मम्मी का फोन आया था, घर में कोई काम है, तू जा मैं आता हूँ। ठीक है बॉस। सर रेस्टोरेंट क्लोज हो गया सर। यहाँ पर शिव नाम का कोई? हाँ मैं ही हूँ। आपकी आंखें? पहले दिखाई नहीं देता था, ऑपरेशन के बाद रोशनी लौट आई है। आप कौन हैं? आप नंदिनी को जानते हैं क्या? मैं उसका बाप हूँ, हमसे वादा कर हमें बीच में ही छोड़ दिया, सही किया सर? ये आप क्या कह रहे हैं, नंदिनी कहाँ है? आप पैसे देंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आगे से हमारी जिंदगी आराम से कटेगी, ये सोचकर बहुत खुशी हुई थी सर। लेकिन उसके बाद आप कहीं नजर नहीं आए। मैंने बेटी से कहा हम गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि वो जरूर आएंगे और हमें पैसे जरूर देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। हमने बहुत इंतजार किया सर, कर्जदार भी, इंतजार करते करते मेरी बच्ची का उन लोगों ने किडनैप कर लिया सर। वो अब धमकी दे रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर पैसे नहीं दिए तो मेरी बच्ची को जान से मार देंगे सर।
मेरी इकलौती बेटी, मेरा आखिरी सहारा, उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, किसी भी तरह मेरी बच्ची को बचा लीजिए। बुजुर्ग इंसान ये क्या कर रहे हैं, आप हिम्मत हारेंगे तो फिर कैसे चलेगा, भले कुछ भी करना पड़े नंदिनी को जरूर बचाऊंगा। सर बैठिए, सर बैठिए। पानी पीजिए सर। किडनैप पर कितना मांग रहा है? जितनी तुम्हारी डिमांड है ये गहने उससे ज्यादा के हैं। देखो इस लड़की को छोड़ दो, मेरे गहने से तुम परेशानी में नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। ये लो, ठीक है इसे छोड़ दो। अब तो मेरी बच्ची को छोड़ दो, ऐसे मत देखो। नंदिनी, खुद को हीरो समझता है तू? मुझसे होशियारी करेगा? सिर्फ तेरी वजह से इस बूढ़े की जान चली गई है और अब तू भी मरेगा, समझा? तेरा भी टाइम खत्म, उल्टी गिनती शुरू करते हैं। कहने लाएगा, कहने लाएगा। तू कहने लाया इसे तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ मैं। अगर तू पुलिस के पास गया ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, अब ये मेरे पास ही रहेगी, समझा? चल चल। चोट कैसे लगी बेटा, कहाँ गया था तू? मैं सुबह से फोन लगा रहा हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रहा। आंटी ने कहा कि तुम सुबह सुबह बैग लेकर गए हो, सुबह से सारा घर छान मारा, एक भी कहना नहीं है, और अभी तू मेरे सामने इस हालत में आकर खड़ा है। सच बता, बात क्या है? माँ, नंदिनी देख लो, नंदिनी नंदिनी नंदिनी, वो तेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल गई और तू उसी के बारे में सोच रहा है? नहीं पापा, नंदिनी के डैडी आए थे, नंदिनी किडनैप हो गई है, वो मुझसे मदद मांग रहे थे, उनकी मदद के लिए घर के सारे गहने लेकर गया था, लेकिन वहाँ हाथापाई में वो सारे गहने छीन कर ले गया। ये बात तू हमें अभी बता रहा है? देखो बेटा, तुम्हारे साथ इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, उसके बावजूद वो तुम्हें भूलकर उस लड़की के साथ चला गया। मान लो कल शादी के बाद अगर वो लड़की वापस आ जाती है तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, क्या गारंटी है? भगवान के लिए आप ऐसी बात मत कीजिए, ये दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताएंगे, आप क्यों अलग कर रहे हैं? पहले इसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। अंकल, एक बार विश्वास खोने के बाद लोग बिजनेस करने के लिए भी आगे पीछे सोचते हैं, तो जरा सोचिए, ये जिंदगी का सवाल है। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। जानकी, अरे भगवान, और अब आज के समाचार ये है
बैंगलोर में रोड हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि मौत का कारण क्या था। जानकी, स्क्रिप्ट रेडी है क्या? सर, मेरा मूड खराब है, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। अब तुम्हें तैयार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कैमरे के सामने बैठा देता हूँ, जनता को यही बता दो। पुलिस के पास मत जाना, जा। सुनो बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। सॉरी माँ जी, मेरे पास चेंज नहीं है। बेंगलुरु के रिंग रोड में कल रात एक एक्सीडेंट में 3 लोगों की जाने चली गई। एक्सीडेंट किसने किया है ये अभी तक पता नहीं चला है। जितने भी लोग मरे हैं उनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, ना मोबाइल है और ना ही कोई और चीज, इसीलिए उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। बट जिसने भी ये काम किया है बहुत जल्द कानून के हाथों में होगा। माँ, अर्जेंट काम से मंगलूर जा रहा हूँ, पापा को कुछ मत बताना और आप भी टेंशन मत लेना, काम होते ही वापस लौट आऊंगा, बाय। अरे रुक, ऐसा कौन सा काम आ गया? शिव रुक जा बेटा। कर्जदार खड़ा कर कह रहे थे कि अगर कर्जा नहीं चुका सकते तो कर्जा चुकाने के लिए अपने बेटे को हमारे पास छोड़ दे। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं चलता है, जो कुछ भी है वो है पैसा मॉर्निंग। क्या काम है बोल। सूरज जाने वाले आउटर रिंग रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। तू है कौन जो तुझे सारे डिटेल्स चाहिए? मीडिया से हूँ सर, मीडिया वाला। तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं क्या? जहाँ कुछ हुआ अपना मुंह उठाकर घुसे चले आते हो। वो केस कोई और ऑफिसर हैंडल कर रहा है, जाओ जाके बैठ जाओ वहाँ पे। उसका नाम क्या है सर? राजा शेर। राजा शेर, क्या बात है सर, नाम ही बहुत खतरनाक है। वो इंसान भी उतना ही खतरनाक है। आंखों में एरोगेंस, दिमाग से ब्रिलियंट, 1000 हाथियों का फोर्स, उनकी जितनी तारीफ करूं कम होगी। अगर शॉर्टकट में कहूं तो वो सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, वो एक खूंखार शेर है। मिस्टर पुलिस, आई एम सिटीजन ऑफ यूएस, आई एम इन डेंजर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। Karnataka police comes. Huh?
Raja Polis, I'm proud of you and your country. We'll give our citizenship of our country for forever. Sun, pyare. जिस देश की भाषा नहीं जानते वहाँ अकेले घूमोगे तो नरक ही लगेगा। फुर्सत में एक बार मेरे इलाके में आकर देख, मस्त खाना खिलाऊंगा, नदी में नहलाऊंगा तो तुझे स्वर्ग ना यहीं दिखने लगेगा, समझा क्या? Okay, thank you very much. कौन है बे? अरे मैं हूँ भाई, सोते हुए कोई सपना देख रहे थे क्या? क्या देखा सपने में? अपने ही बारे में देखा, देखता जा, एक दिन ये पूरा देश खड़े होकर मुझे सैल्यूट करेगा, ऐसा काम करूंगा मैं। सुपर भाई। हाँ बताओ। अच्छा कितने वक्त है? टाइगर तुमको सर पूछ रहे थे। अच्छा गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, क्यों फ्री हो गए? यस सर, बोलिए सर, कॉमिंग में जाना है, राउंड में जाना है, राउडिज्म हो, माफिया हो, कहाँ जाना है बताइए सर, कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ सर। जाकर दो चाय और एक कॉफी बोल कर आ जा। जान की बाजी लगाने की बात कर रहा हूँ तो चाय लाने के लिए भेज रहा है। क्या बोला सर? विद शुगर या विदाउट शुगर सर? तू पहली बार लाने जा रहा है क्या? जाकर जल्दी लेकर आ, पागल जैसी बातें कर रहा है। सॉरी सर, कुछ भी करूं इज्जत ही नहीं करता सर। अजीब आदमी है। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। किस लिए? मेरा नाम शिव है सर और मैं मीडिया में प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूं। क्राइम कब कहां कैसे ये आपने देखा है सर? दीवार, अग्निपथ, हेरा फेरी, अग्नि साक्षी, टाइगर जिंदा है, बस यही देखा है और कुछ भी नहीं देखा है। सर सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिवा भाई, साहब के लिए दो चाय, मेरे लिए एक चाय बना। क्या नाम है तुम्हारा? सर दो दिन पहले सूरज जाने वाले आउटर रिंग रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उस केस की डिटेल्स चाहिए। क्या? हमारे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ही वो है सर, जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं। परसों जो मरा था उसके बारे में पूछते हुए कोई आया था क्या? अरे कभी कभी केस पुट अप होने से पहले आ जाते हैं, कभी दो तीन दिन बाद आते हैं, कभी कोई आता ही नहीं है। और बॉडी? पोस्टमार्टम के बाद सारा प्रोसीजर हम ही करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं सर, आप लोग ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं खून करके उसे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों की हिफाजत करना मुश्किल होता है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। 11 दिन के अंदर अगर उनका कोई रिश्तेदार आईडी प्रूफ और एड्रेस बताकर लाश ले जाना चाहे तो हम उसे दे देते हैं। शिवा अकाउंट में लिख ले रहा। सर मरने वालों का आप डिटेल्स नहीं निकालते क्या? जिंदा लोगों का डिटेल निकालने में मुश्किल होती है, मरे हुए लोगों का कौन निकाले? कहीं किसी ने मिसिंग केस कंप्लेन कर दिया तो बुलाकर बॉडी की पहचान करवाते हैं, नहीं तो केस क्लोज कर देते हैं, समझ गए? यही हमारा कॉन्सेप्ट है सर, मरे हुए लोगों की डिटेल्स निकालना और उनकी बॉडी उनके रिलेटिव तक पहुंचाना। बहुत बढ़िया, अंदर जाके डिटेल्स ले लो, कहां कहां से आ जाते हैं। सर सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर 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 इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी जानते हैं सर क्या है? जो इस केस को हैंडल कर रहा है वही इस प्रोग्राम का हीरो है सर, आपको देखकर लग रहा है कि आप उन्हें ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहा हूं मैं? आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाया और क्या ढूंढूंगा? मुझे अपना काम करने दे, जाना। सर 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 इस प्रोग्राम के हीरो ही आप हैं। पुलिस में भर्ती होने के बाद भी कॉमेडी पीस बन चुका हूँ, मेरा और मजाक मत उड़ाओ, निकल लो। सर 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 प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर, कितने लोग रोज एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वो जिंदा हैं या फिर मर गए हैं, ये बात जब तक उनके परिवार वालों को पता नहीं चलती वो तड़पते रहते हैं सर, इसलिए सच्चाई को उनके परिवार तक पहुंचाकर उनके दुख को बांटना इस प्रोग्राम का मकसद है, इसमें पूरा इमोशन है सर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अबे मैंने तेरा कुछ खाया पिया है क्या? बाहर जाके मेरे अकाउंट में एक चाय पियो, चुपचाप अपना रास्ता ना, समझा? सर 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 एक बात फिर से सोच लीजिए, अगर ये प्रोग्राम बहुत ही हिट हुआ तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे सर, मतलब कैंपेगोड़ा आईपीएस के रेंज में पहुँच जाएंगे सर, कोई भी दुखी इंसान आपको देखते ही अपने गले लगा लेगा सर, ट्विटर फेसबुक और सारे न्यूज चैनल्स में आप छा जाएंगे सर, एक दिन आएगा जब फिल्मों के बड़े बड़े स्टार एक तरफ होंगे और आप दूसरी तरफ अकेले ही काफी होंगे सर। सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा रहा है, विश्वास करो या ना करो। सर मेरी बात को, अबे चश्मेश, सेक्सी से सेक्सी हीरोइन को देखकर मेरा दिमाग नहीं घुमा, तू तो मेरा दिमाग घुमाने पर लगा हुआ है, चल जाए यहाँ से, जा जा जा। सर आप जैसे डरपोक इंसान का नाम राजा शेर नहीं रखना चाहिए था। फिर क्या रखना चाहिए था? डरपोक शेर रखना चाहिए था सर। मैं राजा शेर नहीं डरपोक शेर हूँ, क्या करना है तुझे? सुन मैं ऐसे आलतू फालतू केस अटेंड नहीं करता, मेरा लेवल, मेरा रेंज, मेरा वर्किंग स्टाइल ही अलग है। सर 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 मेरी बात को समझिए सर। सर हेलो। हाँ सर, हाँ सर ठीक है सर, वहीं पहुंच जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, उनसे कहिए कि घबराए नहीं, मैं दो मिनट में पहुंचता हूँ सर। ओके सर। नमस्ते माँ जी। अपनी पिस्तौल लाए हो ना? पिस्तौल नहीं तो पता नहीं फिर कैसे भगाओगे, ऊपर है जाओ देख लो। सही समय है जान की बाजी लगाने का, वो चाहे कोई भी हो अभी जाकर बताता हूँ कि इस राजा शेर की पावर क्या है। पिस्तौल नहीं हो तो क्या हुआ, ये डंडा ही सही, आज मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। मतलब ये बुढ़िया कौओं को भगाने के लिए पिस्तौल पूछ रही थी। हाय रे किस्मत,
पापड़ी सुखाने लिखे हैं। फालतू का गया गुजरा केस अटेंड नहीं करता, मेरा लेवल, मेरा रेंज, मेरी वर्किंग स्टाइल ही अलग है। अरे भाई जरा एक चाय देना। सर पापड़ खाएंगे या फिर भजिया खाएंगे? फटा हुआ यूनिफॉर्म पहनकर पब्लिक के सामने भिखारी बन चुका हूँ मैं, सब तो हंसी रहे हैं, तू भी हंस ले। सर गधे को पालतू जानवरों में सबसे बेकार समझा जाता है, लेकिन जब उसका सही इस्तेमाल होता है तो उसकी ताकत पता चलती है सर। और कुत्ते को इंसान के बराबर ईमानदार समझते हैं, लेकिन उसकी सही वफादारी उसका मालिक ही बता सकता है। वैसे आप भी... तुम भले ही मुझे हीरो मत समझो, लेकिन मैं गधा कुत्ता भी नहीं हूँ, समझे? जिंदगी भर बदनामी के साथ जीने का फैसला कर लिया क्या? अरे यार ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, लेकिन मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? सर हम मीडिया वाले हैं, जब तक हम आपके साथ हैं आपका कोई बाल भी माका नहीं कर सकता। तुम्हारा कहना तो मानना ही पड़ेगा। एक बार ये केस सॉल्व करके देखो सर, सिर्फ पुलिस स्टेशन ही नहीं, रेलवे स्टेशन, टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, सब दूर सिर्फ राजा शेर, राजा शेर, राजा शेर का ही नाम होगा सर। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है बताओ क्या करना है। ये जगह टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, हमने हर जगह पूछताछ कर ली, लोकल पेपर, लोकल मीडिया, सभी जगह न्यूज भी दे दी हमने, लेकिन जो मरा है उसे पूछने एक भी आदमी नहीं आया, मुझे तो किसी दूसरे शहर का आदमी लगता है। उसके बारे में आज भी मुझे एक डाउट है कि सच में वो एक्सीडेंट में ही मरा या कुछ खाकर गाड़ी के सामने आकर सुसाइड कर लिया उसने। सर एक बात तो साफ हो गई है कि इस केस को आपने दिल से लगा लिया है सर। थैंक्स प्यारे, कल मैं अपने चेहरे पर क्रीम लगाऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन इस केस को दिल से जरूर लगाऊंगा। सर आप कितना भी क्रीम लगा लीजिए या सारा क्रीम आप पर लग जाए, फिर भी आपका ओरिजिनल कलर कभी चेंज नहीं होगा। संभाल के सर, संभाल के। कॉमेडी करो, आई लाइक कॉमेडी, लेकिन मेरी क्यों मार रहे हो? छोटा भाई समझकर मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, कानून से भागे हुए मुजरिम को पकड़कर उसका क्रियाक्रम कर देता हूँ और जो प्यार से आता है उसे बैठाकर खाना भी खिलाता हूँ, मैं वो राजा शेर हूँ। दादी इसमें जीपीएस एप्लीकेशन एक्टिवेट कर दिया है, अब ये मोबाइल दिक्कत दे तो रात को मेरे घर आ जाना। थू तेरे मुंह को अंगार लगे, स्पीकर से भी साउंड आता है, मुंह से भी साउंड आता है, ये तुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी जो चिप डाला है वो क्या करता है बता। सब समझाता हूँ दीदी, इससे तुम्हारा पति क्या क्या गुल खिला रहा, कहाँ कहाँ खिला रहा, सब पता चल जाएगा। ऐसा क्या? तो क्या बाथरूम में रहेंगे या फिर बेड के नीचे छुपे रहेंगे, वो सब पता चलेगा क्या? हाँ पता चलेगा ना भाभी, उसके पास मोबाइल होना चाहिए बस। अच्छा अच्छा दे दो। अरे अरे ये क्या है, कल तुम घर से भागकर सूरत भाग गए? घर में मुंबई की मिठाई होते हुए कल तुम वहाँ सूरत में चने खाने के लिए भाग गए? ए राजा शेर, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में एक डिलक्स रूम रेडी करो, आज सिर्फ पैर नहीं काटूंगी, डबल मर्डर करके लाश को उठाकर ला रही हूँ, समझ गया? डिलक्स रूम रेडी करो, पुलिस स्टेशन को लॉज समझ रखा है? कौन है भैया मैडम, ये तो डबल रोटी पाव की तरह डबल मर्डर करने की बात कर रही है, तेरे पास अकल नहीं है क्या, क्यों ऐसे लोगों को पाल पोस कर लड़वा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब का मोबाइल रेडी हुआ कि नहीं? अरे बाबा आदम के जमाने का मोबाइल है, नेटवर्क कंपनी वालों को पता चला तो खुद आकर नया मोबाइल देके जाएंगे। ये मोबाइल हमारे साहब को पुरानी गर्लफ्रेंड ने दिया था, इसीलिए इसे यादगार समझ के रखा है। सर अगर वो खूनी कहीं बाहर से आया होगा तो जरूर किसी लॉज में रुका होगा, क्यों ना हम उसका लॉज में पता लगाएं, कुछ ना कुछ क्लू तो मिल ही जाएगा। लगता है इस केस को लेकर बहुत सीरियस हो तुम, एक्चुअली गुड आइडिया, चलो चलते हैं। क्यों भाई सितंबर 18 से पहले ये इंसान जो फोटो में है वो इस होटल में रुका था क्या? नहीं सर। हे देखे बिना कैसे बता रहा? देखने की जरूरत नहीं सर, मैं बिना देखे बता सकता हूँ। ये रिसेप्शनिस्ट है या कोई जादूगर बिना देखे बता रहा? हो सकता है सर। हे तू ऐसे कैसे कह सकता है? वो इसलिए सर ये होटल 19 सितंबर को ही ओपन हुआ है। अच्छा तो ओपन में ही ये हाल है। सर दूसरी जगह पूछते हैं सर। है? पुलिस वाला मैं हूँ, इसे बहुत जल्दी है। सर इसी लॉज में मैं ठहरा हूँ सर। हाँ तुम ठहरे हो लेकिन ये लॉज तुम्हारा नहीं है ना सर, मैंने यहाँ पूछताछ की है। ए,
यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस और कलरफुल कॉस्ट्यूम पहने हुए पब्लिक में अंतर नहीं है क्या? तुम्हारी पूछताछ कानून की रक्षा, मेरी पूछताछ इन्वेस्टिगेशन, तुमने किया तो न्यूज, मैंने किया तो केस, तुमने किया तो क्राइम, मैंने किया तो प्राइम, तुम करो तो जेल, मैंने किया तो स्टाइल, तुम्हारा माइक और मेरा गन। चुप रहिए सर, अपना फर्ज निभाने की बजाय आप बिना सिर पैर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं फर्ज से परेशान होकर नहीं, टू टॉर्चर कर रहा है इसलिए कर रहा हूँ, मैं छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ, इसलिए मेरी बात समझ ले। शेर शिकार के लिए निकले तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राजा शेर ड्यूटी पर निकले तो उसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब किया तो समय आएगा तो बताऊंगा। चल ओए, ये फोटो वाला इंसान कभी यहाँ पर आकर रुका था क्या? ठीक से तो देख ले। एक बार जिसे देख लूं उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। जो शख्स एक बार मेरे होटल में ठहर जाए उसे वर्षों बाद देख लूं तभी पहचान लेता हूं, विद एड्रेस के साथ। ऐसी है मेरी मेमोरी पावर। जानता है कौन है ये? नहीं जानता। ए, रूम नंबर 205 की चाबी दो। क्या? मैं इसी होटल में ठहरा हूं। क्या? गजनी की तरह मेमोरी पावर और विलेन की तरह डायलॉग बोल रहा है। ऐसे लोग मिल गए तो 7 जन्म में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा हमारा। चलिए सर। ये तो यही रुके थे सर, ये सब कैसे हुआ? कब ठहरे थे ये? लास्ट वीक सर। कितने दिनों के लिए? 4 दिन सर, फिर उनके साथी आए और उन्हें साथ लेके चले गए। उनके साथी लोग? हाँ जी। उम्र क्या होगी? 27-28 साल के होंगे। 27-28 साल। रजिस्टर बुक में उनका एड्रेस हो तो जरा उनकी डिटेल दे दो मुझे। ओके, 1 मिनट सर। ये रहा, यहाँ शीरी कॉल नंबर 8861461274। कल लॉज में जो नंबर और एड्रेस मिला सब नकली लगता है। फेक आईडी बनाकर किसी को चूना लगाया है। पकड़े जाने के डर से फोन भी ऑफ करके रखा है उसने। सर एक सुपर आइडिया सर, अगर उस नंबर का इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स डिटेल मिल जाए तो हम उसे ट्रैप कर सकते हैं सर। वाह सुपर आइडिया। ए चश्मेश, पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेकर आए और पुलिस वाले कोई अपना आइडिया दे रहा? ये सब मैं कल ही कर चुका हूँ, उसमें कोई कॉल नहीं आई है, बस एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। वो किस नंबर से? वो नंबर है 9611614222। लेकिन वो भी फेक आईडी से लिया गया है, उसकी भी इंक्वायरी कर चुका हूँ, वो भी स्विच ऑफ है। सर उस लॉज में जो ठहरा था उसका कोई डिटेल्स मिला है क्या? ऐसा कोई डिटेल्स तो नहीं मिला। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, एक्सीडेंट होने वाले गाड़ी का पता लगाओ। उसकी जरूरत नहीं है, हमारे प्रोग्राम का मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि उस विक्टिम का पता चले, तो पहले उसे ढूंढेंगे फिर ये काम करेंगे। पुलिस मैं हूँ कि तुम? रात को लाइट जाने के बाद कैंडल ढूंढो तो नहीं मिलती है, पहले मैच बॉक्स ढूंढो उसके बाद कैंडल ढूंढो, आराम से मिल जाएगी। मतलब हमारे पास जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें किसी कार ने उसे ठोका है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया है कि ये वही कांच के टुकड़े हैं जो उसी गाड़ी से टूटे हैं जिससे एक्सीडेंट हुआ है। वो गाड़ी किसी और राज्य से आई हुई थी तो उस रात तूफान और बारिश की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल रहा होगा, तो उसने उस गाड़ी के शीशे को कहीं ना कहीं जरूर बनवाया होगा। इसीलिए हम हर एक गैराज में जाकर उस शख्स के एक्सीडेंट की तारीख से लेकर अब तक जितनी भी गाड़ियों के गैराज में विंडशील्ड चेंज हुए हैं उसकी डिटेल्स निकालेंगे तो खूनी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सर हो सकता है वो खूनी इसी गांव का रहने वाला हो और गाड़ी की विंडशील्ड चेंज करके उसे कहीं गैरेज में छुपा दी हो। क्या सोच रहे हैं? इधर आओ। यहाँ से आधा किलोमीटर पैदल जाओगे एक ऑटो स्टैंड आएगा, उसमें बैठ जाना। हाँ। वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे रेलवे स्टेशन हाँ। आएगा, वहाँ उतर हाँ। जाना। वहाँ से हाँ। मैंगलोर से मैसूर नॉनस्टॉप ट्रेन मिलती है। हाँ। टिकट लेना हाँ। जाके खिड़की के पास बैठ जाना। उसके बाद तुम चुपचाप अपने घर जाओ और मुझे अपना काम करने दो, समझे? सर सर मैं लॉजिकली बता रहा हूँ सर। इन्वेस्टिगेशन एकदम मजदूरी की तरह होती है, कभी फल मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन हम रास्ता नहीं भटकते हैं। ठीक उसी तरह इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें रास्ता नहीं भटकना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। हम पुलिस वाले किसी की बात नहीं सुनते, अपने हिसाब से चलते हैं, ये मत समझना। मैं समाज का सेवक हूँ, इसलिए कोई बड़ा काम करके अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, समझ गए? जब तक ये केस पूरा नहीं होता तुम मेरे पीछे ही रहोगे, बीच में बकबक मत करना। चलो गाड़ी चलाओ। सर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती सर। ये गाड़ी की चाबी नहीं बाइक की चाबी है भाई। वो भी चलाना नहीं आता सर। तूने आज तक कुछ चलाया ही नहीं। मेरे ही कर्म फूटे हैं, जब से गले पड़ा है टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे तो ड्राइवर बना के रख दिया इसने। बैठने भी नहीं आता है क्या? वो तो आता है सर। अच्छा हुआ बैठने आता है, नहीं तो गोदी में उठा कर ले जाना पड़ता। ओ इधर आओ। हाँ सर बोलो। इस गैराज में रिसेंटली जितनी भी गाड़ियों के विंडशील्ड चेंज हुए डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर, कल तक मैं रेडी कर दूंगा। हाँ
गैराज वालों ने लिस्ट भेज दी है, इसमें जितने भी नंबर है उन सब पे फोन करते हैं, किसी का नहीं लगेगा तो घर पे जाके आराम से सोचेंगे। श्री कॉल। अरे यार ये तेरा श्री। 9974 7477। हेलो हेलो, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपने कार का विंडशील्ड चेंज कराया क्या? हाँ कराया तो, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों चेंज कराया ये बताइए। सर एक्सीडेंट हो गया था, मैं फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था, एक पत्थर से जोर से आकर टक्कर लगी, ग्लास चकनाचूर हो गया सर। हम चार लोग थे पर भगवान का शुक्र है हम सब बच गए। अच्छा फोन रख। लगता है वो कहीं भाग गया है। जी आपने गाड़ी का ग्लास चेंज किया क्या सर? हाँ सर। कैसे टूटी थी सर वो बताइए। सर वो जल्दी बताओ वरना घसीट के अंदर कर दूंगा। नहीं सर बताता हूँ ना, मेरा मेरी बीवी का झगड़ा हो गया था। हाँ। उस झगड़े में मेरी बीवी ने मुझे उठाकर गाड़ी के ऊपर फेंक दिया सर। हाँ। और शीशा टूट गया सर। तुझे उठाकर फेंका उसने? तुम्हारी बीवी WWF की चैंपियन है क्या? सर वो सो रही है सर, जगाऊं क्या? नहीं उनको चुपचाप सोने दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। हम लोग जिस काम के लिए आए थे हो गया। अच्छा सुना। हाँ सर। सितंबर 18 से आज तक जितनी भी गाड़ियों के विंडशील्ड चेंज हुए उनकी लिस्ट बनाने के लिए बोला था, तैयार हो गया? दिखाओ। ये लीजिए सर। उसकी दी हुई लिस्ट में एक गाड़ी है जो उडुपी से आई थी और उसका विंडशील्ड चेंज हुआ था, उसके हाँ। बारे में पता करते हैं। शेरी कॉल। hey, इस गर्मी में खाना पानी छोड़कर नाइट में 90 छोड़कर मुजरिम तक पहुंचने के लिए दिन रात तेरे साथ भटक रहा हूं और तू हर बात पे श्री श्री करके फोन लगाया जा रहा है, ये श्री श्री क्या? सॉरी सर आदत से हो गई है। मेरी भी किस्मत। लगाओ। अच्छा 9882310888 रिंग हो रही सर। हेलो। हेलो मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। सितंबर 19 को आपने अपनी गाड़ी का विंडशील्ड चेंज किया था क्या? जी हाँ। क्यों? मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी सर, गाड़ी चोरी होने पर इंश्योरेंस क्लेम करना था इसलिए FIR दर्ज करवाई। आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर लगता है कि हम गलत रूट पर जा रहे हैं सर। तुम्हारे पास कोई जानकारी हो तो बताओ, नहीं तो मुजरिम के हाथ आने तक फॉलो करो। ठीक है सर। गाड़ी निकालिए। अब यहाँ तेजस कौन है? मैं हूँ। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, तुमसे कुछ बातचीत करनी है। पर बात क्या है सर? अंदर बैठ के बातचीत करें क्या? जी जी आइए सर। इसे किसने बीच जगह चेंज मत कीजिए। जगह चेंज मत कीजिए वरना इन्हें आने जाने में तकलीफ होगी। ओके। सर थैंक यू सर। आप कौन है? मेरा असिस्टेंट। हाँ बैठिए बैठिए। हम बैठ चुके हैं, अब तुम भी आराम से बैठ जाओ। बताइए सर क्या बात है? बाहर जो कार खड़ी है वो तुम्हारी है क्या? जी जी हाँ। सितंबर 19 को तुमने विंडशील्ड चेंज किया था, जान सकता हूँ क्यों चेंज किया था तुमने? आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक छोटी सी इंक्वायरी है बताओ। वो नारियल गिरने की वजह से विंडशील्ड टूट गया था, इसीलिए चेंज करवाया था। ये गाड़ी चलाता कौन है? मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर ही चलाता था, तो मैंने पहले उसे नौकरी छोड़ दी। क्यों? वो मेरी गाड़ी का ठीक से मेंटेनेंस नहीं करवाता था और मैं भी कहीं बाहर आता जाता नहीं था, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया।
उसके बाद गाड़ी किसी ने नहीं चलाई, तब से वैसे ही खड़ी है। मतलब पिछले 2 महीने से गाड़ी किसी ने नहीं चलाई? जी हाँ सर। आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए क्या? उसकी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं निकलना होगा मुझे। हाँ ठीक है ठीक है। और हाँ, मेरी परमिशन के बिना इस शहर से बाहर मत जाना तुम। एक, मैं सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाऊं, और दूसरा कुछ खाकर अपनी जान दे दूं। हेलो। नमस्ते सर। उस ब्लाइंड तेजस के ड्राइवर तुम ही हो क्या? जी हाँ सर। सितंबर 18 को एक्सीडेंट करके ग्लास तुम ही ने चेंज किया था ना गाड़ी का? 2 महीने से एक दिन बिना छुट्टी लिए यहाँ काम कर रहा हूँ सर, फिर मैं उनकी गाड़ी कैसे चला सकता हूँ सर? तुम गाड़ी का ठीक से मेंटेनेंस नहीं कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें तेजस ने नौकरी से निकाल दिया। क्या ये बात सही नहीं? सर मैंने पिछले 3 साल उनके यहाँ काम किया है, अगर ये बात सच होती तो वो मुझे कभी का नौकरी से निकाल देते, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर काम दिलवाया सर। अगर उस दिन तुमने गाड़ी नहीं निकाली थी तो बताओ किसने निकाली थी? एक दो बार मैंने उस गाड़ी को किसी लड़की को चलाते हुए देखा। लड़की? उसकी उम्र कितनी थी? वही 20-25 साल के करीब की होगी। तुम उसे वापस देखोगे तो पहचान जाओगे? नहीं सर, एक आध बार सिग्नल में दिख गई थी, मुश्किल है सर। अंजलि हेलो। बोलिए आंटी, शिव का फोन आया था क्या? वो मुझे क्यों फोन करेगा आंटी, और उसका फोन नंबर मेरे पास नहीं है। ऐसी बातें मत करो बेटा, जब उसकी आंखें नहीं थी तब वो सही था। आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रही हैं? वो यहाँ से मैंगलुरु क्यों गया और वहाँ क्या काम है ये भी नहीं बताया। मेरा फोन भी वो नहीं उठा रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। सॉरी आंटी, उसके बारे में पूछने के लिए दोबारा मुझे फोन मत कीजिएगा। मेरी बात तो सुनो। रोजाना एक स्पेशल वीडियो आए, ऐसा बंदोबस्त कर दो। सर जी ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि दिन रात आपके पास वीडियो आते चले जाएंगे। ऐसा कुछ मत करना, शाम तक बनाकर रेडी कर देना। नमस्कार साहब। कुछ पता चला क्या तुम्हें? सर आपने जिस तेजस का नंबर दिया था उसका कोई भी कॉल नहीं आया, उसने किसी को कॉल किया ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि किसको कॉल किया है? पर हाँ सर, 18 तारीख के पहले एक ही नंबर से उसे कई बार कॉल आया है। वो नंबर है क्या? एक मिनट सर, लिख के देता हूँ। सर यही वो नंबर है, 9611614222। 9611614222। सर मुझे दीजिए। एक्सीडेंट में मारे गए आदमी के फोन पे इसी नंबर से ज्यादा कॉल गए हैं ना? एक मिनट सर, देख कर बताता हूँ। करेक्ट सर, इसी नंबर से गया है। लॉज से मिले हुए नंबर का, तेजस के नंबर का और इस नंबर का कोई ना कोई लिंक है। नमस्ते सर। मूर्ति सर कैसे हो? मेरी छोड़िए सर, आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ था क्या सर? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? पुलिस वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं सर, कह रहे हैं मैंने एक्सीडेंट किया है।
मुझसे बार बार पूछताछ कर रहे हैं। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, आपके घर में कोई लड़की थी, वही कभी कभार उस गाड़ी को चलाया करती थी सर, यही कहा। मूर्ति तुमने ऐसा क्यों कहा? जो है मैंने कह दिया। देखो मूर्ति, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा, वरना इसे भी मौत के घाट उतार देते। कौन है? कितने सारे राउडीज का खाल उधाड़ कर मैंने उन्हें उनके घर भेज दिया। तेजस सच बताओ क्या हुआ था? अरे कुछ हुआ होगा तो बताऊंगा ना, आप लोग जाइए यहाँ से। तेजस मानते हैं हम तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी आंखें हम देख सकते हैं। अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर तुम्हारे चेहरे पे घबराहट क्यों है? बताओ तेजस। तेजस दरवाजा खोलो। तेजस अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे अपनी पुलिसगिरी दिखानी पड़ेगी। सर ये क्या है सर? मैं इज्जत से समझा रहा हूँ, चुपचाप सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो वरना ठीक नहीं होगा, याद रखना। तुम्हारे हर सवाल का मैं जवाब यहाँ दूँ? ऐसा कोई कानून नहीं है, मुझे जो कुछ कहना होगा मैं पुलिस स्टेशन में कहूंगा। मैं भी पुलिस वाला हूँ भाई। हटो। सर कैसा इंसान है ये? मैं इस ड्रेस में पुलिस वाला नहीं लगता क्या? सर आप तो दिखाई देते हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं देख पाती ना। हाँ लॉजिक है। रुक रुक, ए गाड़ी निकालो जल्दी। ऑटो ऑटो ऑटो। अरे बाप रे, दिखाई नहीं दे रहा, लगता है सीधा पुलिस स्टेशन चला गया होगा, मेरी तो नौकरी गई। डरिए मत सर, देखते हैं क्या हुआ। दिखाई नहीं देता, अंधे हो, इतनी बड़ी रोड है सामने। ओहो पुलिस वाले हो ना, जब तुम्हारा दिल करेगा सिग्नल जंप करके निकल सकते हो, है ना? कानून तुम्हारे लिए नहीं बना क्योंकि तुम पुलिस वाले हो। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? हेलमेट कहाँ है? इधर रखी है। ओहो तुम्हारी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी इसलिए हेलमेट नहीं लगाया है। ए कानून पब्लिक और पुलिस दोनों के लिए एक जैसा है, चलो हेलमेट लगाओ। सर आप अपने काम से जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। सुबह सुबह दिन खराब कर दिया मेरा, देखने में तो चोर दिखता है, पता नहीं किसने पुलिस वाला बना दिया। ये तो मुझसे पहले पहुंच गया, लगता है आज मेरी बहन बजने वाली है। कौन है आप? मिस्टर श्याम सुंदर। यस मैं हूँ। सच में श्याम सुंदर आप ही है ना? जी हाँ मैं हूँ। इंस्पेक्टर श्याम सुंदर आप ही है ना? हे अपना नाम मैं कैसे भूल जाऊंगा, मैं ही श्याम सुंदर हूँ, आपको क्या चाहिए? हे राजा शेर। सर सर किसने इन्हें अंदर भेजा है? ले जाओ इन्हें बाहर। सर हे हे कौन है तुम? बाहर जाओ चलो। हे सच में मैं हूँ कि नहीं ये जानने के लिए क्लाइमैक्स में हीरो की तरह आ गया तू है? अगर वहीं पे पूछता तो मैं नहीं बताता क्या? सर इंस्पेक्टर श्याम सुंदर वही है ना? वही है। आप श्योर तो है ना? खुद पे माचिस की तिली लगाकर पूछोगे तो भी मैं कहूंगा वही है। रिलैक्स बैठ जाओ, लगता है तुम बहुत बड़े टेंशन में हो, चेहरे पे दिखता है। एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारी गाड़ी से और तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। हम इस केस को ऑफिशियली हैंडल कर रहे हैं, क्या हुआ था जरा खुलकर बताओ, हम जो भी बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। उस दिन भी मुझसे किसी ने ऐसा ही कहा था और मैंने उन पर भरोसा किया और वो मुझसे 20 लाख ले गए। वो कौन है तेजस? इंस्पेक्टर श्याम सुंदर। क्या कह रहे हो तुम्हें? जी हाँ सर, उस दिन उन्होंने यही नाम बताया था। सच में क्या हुआ था जरा हमें डिटेल में बताओ। सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, 18 सितंबर की रात को मैं और वो मेरी कार से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। अंजलि मुझे एक किस दो ना। तेजस मेरे होंठ तुम्हारे होंठों को चूमना चाहते हैं। उसके लिए अभी बहुत टाइम है। अरे मान जाओ ना प्लीज, सिर्फ एक बार। उसी वक्त हमारी कार के आगे एक आदमी आ गया और अंजलि ने गाड़ी को टर्न किया। अंजलि क्या हुआ, तुमने ब्रेक क्यों लगाया? अंजलि अंजलि कुछ तो बोलो, अंजलि हुआ क्या है? अंजलि अंजलि बोलो। हमारी गाड़ी के सामने अचानक कोई आ गया था और यह हादसा हो गया। अंजलि को मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो रात भर सोई नहीं, वो बात उसे खाए जा रही थी और ठीक सुबह 5 बजे। अंजलि मेरी बात सुनो, अंजलि इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? इंस्पेक्टर श्याम सुंदर, मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने अंदर आते ही मुझे धमकाना शुरू कर दिया। वो गाड़ी मेरी थी, उसे अंजलि चला रही थी, उसके हाथ से एक्सीडेंट हुआ, ये सारी बातें उसे पता चल गई थी। अंजलि यही है ना?
जी हाँ सर। हिट एंड रन केस, एक बार ये केस रजिस्टर हो गया तो लाइफ लॉन्ग इंडिया छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। प्लीज सर, इस केस को आप संभाल लीजिए सर, आप जितना पैसा कहेंगे मैं अरेंज करके दूंगा सर। वैसे केस तो क्लोज कर दूंगा, लेकिन सामने वाले का कोई आ गया तो उसका मुंह बंद करने के लिए छोटी मोटी नहीं अच्छी रकम देनी होगी। नहीं तेजस, एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए सर। अंजलि तुम चुप रहो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है सर, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। इस वक्त अंजलि कहाँ है? सर अंजलि का दिल बिल्कुल बच्चे जैसा है, मैंने उस पुलिस वाले को पैसे दिए ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने मुझसे कहा कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उस बात की टेंशन में खुद के साथ कुछ कर लेगी। उस दिन जो वो गई आज तक मेरे पास लौट कर नहीं आई। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, डोंट वरी। अंजलि का लास्ट नंबर 222 है ना? जी हाँ सर। पर ये आपको कैसे पता चला? बताता हूँ। अंजलि कहाँ इस वक्त, उसका पता लगाने के लिए उसकी डिटेल्स चाहिए हमें। अंजलि से कितने दिनों से तुम्हारी जान पहचान है? सर हमारी जान पहचान कुछ दिनों पहले ही हुई थी। वो मेरे हाथों से बनी मूर्तियां देखने आई थी, वहीं हमारी दोस्ती हुई और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती चली गई। वो अपने आप को NRI कहती थी ना? जी हाँ सर, वो मलेशिया से आई थी। उसने कहा था कि वो अपने दादा की प्रॉपर्टी बेचने आई है। जब वो यहाँ आई थी उस समय वो कहाँ रुकी थी? पहले कुछ दिन तो वो होटल में ही रुकी थी, उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई तो वो मेरे साथ यहाँ आके रहने लगी। 35 साल से मेरी जिंदगी में जो अंधेरा भरा हुआ था उसमें उसने रोशनी भर दी थी। उसके साथ गुजरा हुआ हर एक पल मुझे एक फिल्म के जैसा लग रहा था जिसमें सब कुछ अच्छा होता है, पर अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी फिर से अंधेरी हो गई। इनकेस अंजलि मलेशिया चली गई हो, उसका वहां का नंबर है क्या? नहीं है सर। इसके अलावा और कोई डिटेल्स? नहीं है सर। हर बात पे नहीं बोल रहे हो, इतने दिन लव कैसे किया? जरा चुप रहिए ना सर। I loved her. अब इनकी सुनो, आजकल लोग पैसों के चक्कर में प्यार करते हैं, तुम्हारी तो आंखें भी नहीं है, तुम कैसे प्यार के चक्कर में पड़ गए? आप चुप रहिए। अरे छोड़ो यार। अंजलि के साथ तुमने कोई फोटो वगैरह निकाला है क्या? हाँ निकलवाया ना, पर फोटो उसके मोबाइल में है सर। तेजस, अंजलि को तुम्हारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी ने भी देखा है क्या? नहीं सर। तुम दोनों एक साथ कभी कहीं बाहर घूमने गए थे क्या? कभी कभार हम दोनों रात में घूमने जाते थे। तुम 24 घंटे नाइट ड्यूटी करते थे क्या? हमेशा सिर्फ नाइट में ही क्यों जाते थे? सर प्लीज। बिल्कुल सर, मुझे तन्हाई से बहुत प्यार है, रात में कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता था इसलिए हम कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। बहुत अच्छे, रात में और क्या क्या गुल खिलाए जरा वो भी बता दो। कितने दिन से सूखे सूखे घूम रहे, अपनी रासलीला ही बता दो। बताओ बताओ सर। तेजस, रात के अलावा दिन के वक्त भी कहीं गए थे क्या? हाँ एक बार गया था, उस दिन मेरा जन्मदिन था, पहले हम दोनों मंदिर गए और फिर लंच करने गए थे। लंच लेने कौन से रेस्टोरेंट में? 7th Heaven में। तुम्हारा बर्थडे क्या है? September 12th सर। September 12th। ओके तेजस, अंजलि के बारे में कोई और डिटेल मिले तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सर 222 अगर अंजलि का नंबर है तो अंजलि का मरने वाले से जरूर कोई ना कोई लिंक होगा, लेकिन अंजलि ने मरे हुए आदमी के बारे में तेजस को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब अंजलि बहुत चालाक है। जी हाँ। सर वो देखिए CCTV। सर सितंबर 12 तारीख का देखो। सर रुकिए सर। हे, खाना खाने के बाद हम लोग मेहमान बन के यहाँ मीठा खाने के लिए नहीं आए हैं, इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, उसे पूरा करके ही जाएंगे। सेकंड कैमरा दिखाओ, ये वही कॉपी करो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? किसी के ऑफिस में ऐसे बिहेव करते हैं क्या? अब मैं और टॉलरेट नहीं करूंगा, आप लोग यहाँ से निकलिए प्लीज। hey,
अबे एक कान पे दूंगा दूसरे कान से पानी निकलने लगेगा, जिस काम से आए उसे करने दे वरना उसकी जगह तुझे ही अंदर कर देंगे, समझा क्या? चुपचाप खड़ा रह बे। सर इधर देखिए। ए वो लोग उसे मार क्यों रहे हैं बता। सर वो हमारे होटल का सप्लायर है सर, वो हमारे होटल में आने वाली लड़कियों का फोटो निकाल रहा था। इस बात पर एक कस्टमर को गुस्सा आ गया, वो उसे मारने लगा और तभी वो वहां से भाग गया। हमें उसकी डिटेल्स चाहिए। जी सर मैं अभी आपको डिटेल्स देता हूँ। हाँ यही है सर, लेकिन यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है। लॉक हुआ नहीं है, लॉक किया गया है। बोलिए सर। आपके जो पड़ोस में रहता है उसे पहचानते हैं? वो यही है क्या? थोड़ी देर पहले तो यहीं पर खेल रहा था, आसपास ही होगा सर। हे सर बॉल दो ना सर। ए सर बॉल दो ना प्लीज। ए तुझको ही ढूंढ रहे हैं ये दोनों। सर वही है ये। हे रुक, हे रुक, हे इसकी तो आई। यहाँ से कूदा तो ऊपर का प्रमोशन हो जाएगा। अबे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता तुझको? ए, तुझे रोड पर बाइक चलाना नहीं आता है, रोड पर चलना भी नहीं आता क्या तुझको? पता नहीं किसने पुलिस वाला बना दिया। क्या कहा? मैंने कहा पता नहीं किस बेवकूफ ने पुलिस वाला बना दिया। मेरे बाप के मूंछ के ताव देने से गांव थर थर कांपता है, उनका नाम तक लेने से लोग डरते हैं, मेरे बाप को तो गाली दे रहा है। पुलिस के काम में बार बार रुकावट डालने और पुलिस को पब्लिक के बीच में धमकाने को जुर्म अंदर कर दूंगा। गिल्ली डंडा खेलते हुए तूने बच्चों को देखा होगा, गिल्ली डंडा खेलते हुए तूने बड़ों को देखा होगा, लेकिन गिल्ली डंडा खेलते हुए तूने कभी पुलिस को देखा है? नहीं सर। पुलिस का जब दिमाग खराब होता है तो क्या होता है, तूने कभी देखा है? बॉस तुझे दिखाता हूँ। गलती हुई सर, माफ कर दो। शिव कौन है बे तू? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? hey, उस रेस्टोरेंट में लड़कियों का फोटो तू ही निकालता था ना? हाँ मैं ही निकालता था, तुझे क्या? अपना मोबाइल मुझे दे। किस लिए? इज्जत से अपना मोबाइल मुझे दे। मोबाइल लेगा ये ले। मोबाइल दे।
तेजस का बर्थडे कौन सी तारीख को बताया था? सितंबर 12 तारीख। जानू तुम यहाँ पर? शिव अगर तुम्हें यही लड़की चाहिए थी तो फिर मेरे साथ एंगेजमेंट करने की क्या जरूरत थी? पागलों की तरह तुम्हारा पीछा कर रही हूँ मैं। मैं ही बेवकूफ हूँ। वहाँ तुम्हारी माँ मेरा बेटा कहाँ है ये सोचकर परेशान हो रही हैं, और यहाँ तुम उस लड़की की फोटो लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले भटक रहे हो। ए, तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए ऐसी बात कर रही हो। सच्चाई जानना, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये है अंजलि। ओ अंजलि, तुम क्या समझते हो नाम बदलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे रेस्टोरेंट में तुम और वो क्या कर रहे थे ये मैंने नहीं देखा क्या? किसकी बात कर रही हो? और कौन? यही जिसकी फोटो तुम्हारे हाथ में है, नंदिनी। जब तुम्हें पता था कि मैं नंदिनी को ढूंढ रहा हूँ तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं जिस लड़के को चाहती हूँ वो लड़का किसी और लड़की को चाहता है, ये जानने के बाद मैं उसके पीछे आकर उन दोनों की शादी करवा दूंगी क्या? प्लीज जानू, यहाँ क्या चल रहा है ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। बीच में तुम आकर मेरा दिमाग खराब मत करो। दिमाग तुम दोनों का नहीं मेरा खराब है, क्या हो रहा है ये सब? पुलिस स्टेशन में पब्लिक सर्वेंट ऐसा बोर्ड लगा कर रखते हैं, लेकिन तुमने अपने पर्सनल केस के लिए मुझे ही सर्वेंट बना कर रखा है। सर अगर आपका साथ नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, आपको पता है। हेलो, अगर मैं नहीं होती ना तो तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाता, बेकार में यहाँ वहाँ भटकते रहते। हम क्या कर रहे हैं पता है? सर सर, हमारा रियल चैलेंज तो अब स्टार्ट हुआ है। क्या, कौन सा चैलेंज? काहे का चैलेंज, कैसा चैलेंज? ए, सब लोग सोते समय सपना देखते हैं, लेकिन तू तो मुझे जगा करके चने के झाड़ पे चढ़ा के सपना दिखा रहा है। अरे तेरा चेहरा तो छोड़, मुझे अपना चेहरा देखने में शर्म आ रही है। अब मैं तुम्हारी बात सुनकर एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। तूने मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ना जाने कौन कौन से सपने दिखाए, अब मेरी जिंदगी नाव पर लग गई है। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए सर, ये मीडिया वाली है। अच्छा सर, आपको पता है कि केस सॉल्व करते करते आप किस रेंज में पहुंच गए? इस रेंज में पहुंच गए सर आप। एक बार वो फ्रॉड लड़की मेरे हाथ लग जाए तो आपका नाम टीवी में, पेपर में, फेसबुक में, ट्विटर में आएगा, इसकी गारंटी ये है सर। इतना ही नहीं, वीकेंड वाले शो में आप ही नजर आएंगे सर। वीकेंड वाले शो में? हाँ। मैं यूनिफॉर्म पहन के आ सकता हूँ? जी से पूछ कर बताऊंगी। अरे वाह। सर 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 सर, मैं यहाँ पर हूँ। मेरे दिल को गहरी चोट पहुंची है सर, बहुत तकलीफ हो रही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा तेजस। बेचारा कितना रो रहा है। ये प्यार की बीमारी एक बहुत बड़ा जख्म है, हमेशा दिल को दुखाता रहता है। वो कौन है क्या है जाने बिना दिल दे बैठा। अगर इसकी आंखें होती तो उसकी सच्चाई देखकर आज कम से कम अपनी जान बचा लेता, और इसे ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। वेरी सैड। तुम क्यों आ गए? और क्या करता, तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम भी तो फंसे हो। जाओ तुम दोनों किसी अच्छे से बार में जाओ, दो दो पैग लगाओ और एक दूसरे का दुख बांटो। मैडम प्लीज, अपने दुख को छोड़ दूसरे को सहानुभूति देना सुकून देता है, लेकिन उसे छोड़कर अगर हम इसे बार बार ताना देते रहेंगे तो इसके ऊपर क्या गुजरेगी आप जानती हैं। अब हमें पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने इस केस के। प्लीज भाई, मुझे लगता है कि वो सिर्फ अंधे लोगों को ही टारगेट करती है। वो सिर्फ अंधे लोगों को ही टारगेट नहीं करती, जो उसकी बात नहीं सुनते, मांगने पर उसे पैसा नहीं देते, उन्हें वो प्यार के नाम पर लूट रही है। बेचारे उसकी दुख भरी दास्ता सुनकर अपने आप को गिरवी रखकर उसकी मदद करते हैं, वो भी उसका शिकार होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए प्यार का जाल बिछाकर वो लड़कों को धोखा देती है। जानते हो ना इस तरह की लड़कियां कैसी होती हैं? ऐसी ही लड़कियां उस तरह की होती हैं। उसे पता है कि उसकी खूबसूरती देखकर लड़के कुछ भी करेंगे, लेकिन वही लड़के जब अपने वाली पे आते हैं तो क्या कर सकते हैं हम बताएंगे। आओ बैठो बैठो बैठो। तेजस, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें उसकी सच्चाई जानने में काफी वक्त लग गया। मेरे ख्याल से जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तब वो तुम्हारे पास आई थी। क्या गुरु, हम उसे पकड़ने के लिए जितनी तेजी से चल रहे हैं वो हमसे भी तेज भाग रही है। शिव, तेजस की सारी डिटेल्स वो तब तक कलेक्ट कर चुकी होगी। राइट, वो सिर्फ अंधों का ही चुनाव क्यों कर रही है ये हमें जानना है। मैं एक अंधा होते हुए भी एक रेस्टोरेंट चला रहा था और मेरा खाना सब दूर बहुत ही फेमस हो गया था, इसलिए मेरा नाम मीडिया में और पेपर में हर कहीं दिख रहा था। ऐसे ही तुम्हारा नाम भी लोकल चैनल में, लोकल पेपर में आर्टिकल के रूप में कभी आया? याद करो। नहीं सर, ऐसा क्यों आएगा, मैं शांति से जीवन बिताने वाला एक सिंपल इंसान हूँ। नो 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 नो, इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। सर ये आप क्या बोल रहे हैं,
मैंने कहीं पढ़ी थी, अचानक जहन में बात आ गई तो मैंने बोल दी, बस और क्या। मैंने सोचा कि इस सिचुएशन में शूट होगी, हो रही है क्या। शट अप तेजस, थिंक तुम अपने फील्ड में बहुत ही फेमस हो, तुम्हारे काम की वजह से तुम्हें कोई अवार्ड भी मिला होगा या फिर किसी प्रोग्राम में तुम्हें चीफ गेस्ट भी बनाया गया होगा, याद करो तेजस। डॉग को डॉग बिस्कुट, टाइगर को टाइगर बिस्कुट। शिव, कर्नाटक एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन फॉर स्पेशली एबल्ड, यहाँ से तुम्हें भी एक अवार्ड मिला है ना। इस एसोसिएशन से अब तक जितने भी लोगों को अवार्ड मिला है उनकी लिस्ट निकालती हूँ। सुपर, इस लिस्ट से ब्लाइंड के डिटेल्स को अलग करो। परफेक्ट, लिस्ट में जितने भी हैं वो उसके टारगेट्स हैं। इस लिस्ट में से किसी न किसी के साथ इस वक्त वो होगी। यस, इससे हमारा काम और आसान हो गया। इन सबको फोन करके अगर हम उन्हें बताएं तो वो जिसके साथ है वो हमें जरूर इन्फॉर्म करेगा। कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसकी प्रेमिका फंस जाए। अगर हमने उसको अचानक पकड़ा और अगर वो लड़की उसके साथ है तो वो मुंह ही नहीं खोलेगा। कारण सीधा सा है, वो उसके प्यार में डूबा रहेगा और अगर ये बात लड़की को पता चल गई तो वो आराम से बच निकलेगी। इसलिए किसी को पता नहीं चले इस तरह से ढूंढना होगा। लेकिन वो किसके साथ है वो हमें कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत सिंपल है। हर एक जगह पर हमारे चैनल के टीवी रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उन्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट देकर इन सारे लोगों को फॉलो करने के लिए कहेंगे और वो इन लोगों की सारी डिटेल्स निकाल कर हमें दे देंगे। इससे बात बनेगी? 100% बात बनेगी। मीडिया वाले किस तरीके से फॉलो करते हैं ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तुम्हें वहाँ से लेकर यहाँ तक फॉलो किया, तुम्हें पता चला? हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, मैं बेलगाम पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। ये इस वक्त कहाँ है? उडुपी। इसका नाम ना तो नंदिनी है और ना ही अंजलि है, चित्रांगदा है। इसका अपना गांव बेलगाम है, वहाँ एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है। असली गहनों को उड़ाकर जब डुप्लीकेट बनाकर उसे बेचने गई तो पकड़ी गई, तब पहली बार उसे जेल हुई थी। मई से लेकर नवंबर तक ये जेल में थी। कुछ लोग जेल से बाहर आने के बाद क्रिमिनल बन जाते हैं, लेकिन इसने क्राइम करने के लिए अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया। फिर इसने शुरू की हनी ट्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग क्या होता है जानते हो? बड़े बड़े घर के लड़कों को अपनी जाल में फंसा कर उनके साथ ऐश करना और जब दिल भर जाए तो उनकी कमजोरियों को रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करना। इस काम को वो बखूबी अंजाम देने लगी और बहुत लोगों को ब्लैकमेल किया। और जब उसे वहाँ खतरा महसूस होने लगा तो उसने उस धंधे को छोड़कर दूसरा धंधा शुरू कर दिया, ब्लाइंड लव स्टोरी। ये ब्लाइंड लव स्टोरी क्या होती है पता है? ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन अंधे हैं, ऐसे लोगों को अपनी जाल में फंसा कर उनका दिल जीत कर उनका सारा पैसा हड़प कर गायब हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। वही उसने तुम्हारे साथ भी किया, तुम तो जानते ही हो। उसका कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार के बारे में नहीं है। उसके बाप ने शराब के नशे में उसकी माँ को मार डाला, फिर शराब पी पी कर वो खुद भी मर गया। उसका बड़ा भाई है रवि और छोटा भाई है मंजा, दोनों उसका हर काम में सपोर्ट करते हैं। अब वो मरा हुआ आदमी रवि कौन है ये तो समझ ही गए। ये देखो रवि। ये सब लोग पक्का प्लान बनाकर ही धोखा देते हैं। इसका मतलब इस सारे खेल के मास्टरमाइंड है वो चित्रांगदा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर अब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो पता नहीं और कितने लोगों को मारेगी। ऐसी राक्षसी का संहार करने के लिए अब हमें रुद्र तांडव करना ही पड़ेगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विक्रम। जब मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो मेरा भाई बहुत छोटा था, उसे मैंने पाला।
लेकिन आज क्या हो रहा है देखो विक्रम, आज मेरा छोटा भाई मेरी आंखों के सामने मौत के मुंह में खड़ा है। डॉक्टर ने क्या कहा? किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा है लेकिन सूटेबल किडनी डोनर नहीं मिल रहा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, ब्लैक मार्केट से किडनी परचेस करनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। उसे देने के लिए मेरे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ मेरी जान है और कुछ नहीं। ऐसी बातें मत करो चित्रा, मैं हूं ना, लगता है तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। जब तक मैं हूं तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो मेरे लिए मेरी दोनों आंखें तुम हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दो तीन दिन के अंदर मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तुम डॉक्टर से कहो कि वो ऑपरेशन की तैयारी करे। नहीं विक्रम, ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई ताकि मैं अपना दुख बांट सकूं। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। आज तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, अपने दम पर भाई को पाला है, अभी भी वही करूंगी, देखते हैं क्या होता है। मेरे भाई को मैं ही बचाऊंगी। पागलों जैसी बात मत करो चित्रा, कल तक तुम अकेली थी, आज हम दोनों साथ हैं। दोबारा फिर कभी मत कहना कि तुम अकेली हो। थैंक यू विक्रम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ। देखो चित्रा, ये मैं जानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारे लिए कोई ताजमहल बनवा सकूँ, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू विक्रम, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तेजस, वो मिल गई। अच्छा, आप उसे छोड़िएगा मत सर। उसे मैं संभालूंगा। नेक्स्ट प्लान उड़पी। हे, आगे जो इंडिका कार जा रही है वही है ना? जी हाँ सर, आपने जो नंबर दिया था उसी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, उसके पीछे लगे रहिए। तुम ऐसी डायन एक दिन भी जिंदा रही तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तैश में आकर कूदने वाला मर्द नहीं होता, तैश को कंट्रोल करने वाला होता है। तुमने कहीं कोई गलत कदम उठा लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ शिव, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। एटलीस्ट हम अंदर जाकर बैठेंगे तो पता चलेगा वो क्या बात कर रही है। यहाँ पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाकर हम तमाशा देखने नहीं आए हैं। सर, आप मुझे अपना ब्लूटूथ दीजिए, वो मुझे नहीं जानती है। मैं अंदर जाकर फोन लगाऊंगी, आप लोग सुन लीजिएगा कि वो क्या बात कर रही है। विक्रम, तुम जो मेरी मदद कर रहे हो, पता नहीं उसका एहसान मैं कब चुका पाऊंगी। थैंक यू सो मच। चित्रा, अपनों को कभी थैंक्स नहीं बोला जाता है। देखो, तुम डॉक्टर से कहो कि वो ऑपरेशन की तैयारी करे। मैं एडवांस अमाउंट भर चुकी हूँ विक्रम। हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ उसका फ्रेंड है, मेरा छोटा भाई तुमसे मिलना चाहता है, तो प्लीज विक्रम, ऑपरेशन के समय तुम मेरे साथ रहोगे ना? ये भी कोई कहने वाली बात है? चित्रा, पर तुम रो क्यों रही हो? तुमने कहा ना तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। एक बार मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाने दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं, जिंदगी भर मैं तुम्हारी आंखें बंद कर तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बातें सुनकर तो मुझे भी प्यार होने लगा है। तुम उस पर फिदा हो गए, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सर, सुनाना क्या कह रही थी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नंदिनी? जल्दी करो कहीं वो भाग न जाए।
कौन है ये? कौन है? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। ओहो सर, जॉनसन को फोन लगाओ सर। आप जैसे अभी संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त अपने पर्सनल काम में व्यस्त हैं। हाँ बोलिए सर। हेलो जॉनसन, कहाँ मर गया तू? बोलिए बोलिए सर। बाय विक्रम। बाय। ए, तू यहाँ क्यों आया है? किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा, पर एक जरूरी बात कहनी है। जो भी बोला है फटाफट बोलना। शिव यहीं पर है। कौन सा शिव? वही मैसूर रेस्टोरेंट ओनर। तो क्या हुआ? हो सकता है वो किसी काम के लिए आया हो। नहीं चित्रा, वो तुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आया है। उसके साथ एक लड़की है जिसने चित्रांगा नाम कई बार पुकारा था। मैंने किसी तरह उन लोगों को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट किया है। वो यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ रहना हमारे लिए खतरा है। विक्रम का मैटर खत्म करो, हम कहीं और चलते हैं। अब तुम क्या सोच रही हो चित्रा? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तू एक मर्द है? दुम दबाकर भागने वाले मर्द नहीं होते, डरकर सामना करने वाले मर्द होते हैं। जब देखो तब यहाँ से भागो वहाँ से भागो कहते रहते हो। थू? देख, अगर तुझ में हिम्मत है ना तो ही मेरे साथ काम कर, अगर नहीं है ना तो मैं तुझे एक लोटा लाकर देती हूँ। अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ाकर किसी सिग्नल पर भीख मांग। डर से भागने वाले लोग कायर होते हैं, और जो डराना जानते हैं लोग उनके तलबे चाटते हैं। यही दुनिया है। देख, कल तक इस वक्त तक हमारा पैसा हाथ में आ जाएगा, तब तक तू अपना मुंह बंद रखेगा तो ही अच्छा है, नहीं तो मैं काट डालूंगी। मजाक समझ रहा है? समझ गया ना? इन सब की वजह तुम दोनों ही हो। शिव का एक्सीडेंट होने के बाद उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना, फिर भी तुमने वहां जाकर सिरदर्द पाल लिया। देखो, अब उसके पास कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके पास जो कुछ भी था उसने ऑपरेशन में खर्च कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन? बताता हूँ। उससे पहले शिव के साथ जो डील हुई थी वो पैसा हमें मिल जाना चाहिए। क्या कहा? अब तक उसका काम नहीं हुआ तो पैसे क्यों मांग रहे हो? देखो चित्रा, हम जो तुमसे पैसे लेते हैं वो पार्टी को ढूंढ कर उसका डिटेल्स कलेक्ट करके स्केच बनाकर एक परफेक्ट प्लान देते हैं उसका। शिव सलाह के काम से हमने अपना काम बिल्कुल पक्का किया। उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हमने जो काम किया उसमें जो हमारा हिस्सा था वो हमें मिलना चाहिए। देखो, प्लान के हिसाब से अगर काम हुआ तो ही हिस्सा, नहीं तो सभी का लॉस है। इससे पहले जो भी डील्स हुई थी उनमें से तुमने हमें कितना दिया और तुमने कितना लिया वो हमें सब पता है। हर डील में एक बड़ा हिस्सा तुमने अपने पास रखा। हर डील में अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैसे चलेगा? तुम दोनों सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर काम करते हो, लेकिन फील्ड पर उतरकर मैं अपनी जान की बाजी लगाकर अपने काम को अंजाम देती हूँ। मेरा दिल और जिस्म दोनों को दांव पर लगाकर खेल पूरा होने के बाद तुम लोगों का हिस्सा देती हूँ। कल कुछ ऊंच नीच हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए मेरी जेब से ही पैसा खर्च होगा, तुम्हारी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा पैसा रखती हूँ। देखो मामा, तुम्हारी उम्र हो गई है, लालच छोड़कर जो मिलता है उसे लेकर खुश रहो। ये आसानी से होने वाला काम नहीं है। जानता हूँ ये सब कुछ नहीं होगा, उसके पास रहेंगे तो हमेशा कुत्ता बनकर ही रहना होगा। मैंने सारा प्लान बना लिया है, ये जब तक तेजस के साथ हमारे बारे में नहीं सोचेगी ऐसे ही रहेगा। यही सही वक्त है, हमें कुछ करना होगा। लड़की को सेटल होने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं, मर्द को सेटल होने के लिए सिर्फ पैसा ही एक रास्ता है। वो तेरी दोस्त दिव्या है ना, उसे यहाँ बुला ला, आगे क्या करना है वो प्लान मैं बताता हूँ। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? चार दिनों से तुम दोनों का कुछ पता नहीं। वैसे तुम आजकल तेजस के साथ जरा बिजी हो तो हमने भी सोचा और चार दिन आराम करने के लिए गोवा चले गए। मुझे उसके साथ भिड़ा कर तुम लोग आराम से गोवा घूमाए? वो आर्टिस्ट है, अकेले रहता है, उसकी फीलिंग ज्यादा है।
प्यार का जाल बिछा वो इजिल हमारे जाल में फंसेगा यही कहा था ना। लेकिन ऐसा कुछ होने के बजाय वही मुझे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब देखो तब मेरे नाम की माला जपते रहता है। क्या तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया था? प्यार, अंधे को मुझसे प्यार हो गया, सोचती हूँ तो तन बदन में आग लगती है। अच्छे अच्छे को पानी पिलाने का रास्ता तुम्हें मालूम है, हैं? ये अंधा तुम्हारे लिए इतना बड़ा कैसे बन गया? जो हाथ में आया उसे मुंह तक आने से पहले दूसरी उड़ती चिड़िया को दाना डालने की कोशिश मत कर। भलाई इसी में है कि वो डील पूरी करो। मंजा, बैक सीट पर एक बैग है, निकाल। उसमें से मेरा पेन निकाल, कैप निकाल। अरे अब क्या लिखना है चित्रा? ला, अपनी किस्मत लिखनी है। मंजा, पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, पता है? मतलब ये पेन तलवार से भी ज्यादा तेज है। तू और मामा मेरी नजरों से छुपकर क्या कर रहे हो? बता बता। अभी तो पैर में छेद किया है, गले में छेद कर दूंगी, बता। बताता हूँ, हम तुमको बताए बिना मैसूर के शिव से मिलने गए थे। और फिर सारे गहने हमने बाजार में बेच दिए और जो बाकी पैसा है वो रवि के पास पड़ा हुआ है। चोर और चोर दोनों मौसेरे भाई, निवाले से पेट न भरा तो थाली छीन कर खाई। मेरे साथ खेल मामा, पैसों के लिए इतना बड़ा गेम मेरे साथ खेलेगा सोचा नहीं था। तुम लोगों को पैसा मिला तो तुम लोग खा पी कर उड़ा देते हो, इसलिए मैं अलग से सेव करती थी। सोचा था अपने ही हो, आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा तो ये पैसा उसी के काम आएगा। और तुम लोग, इसमें सारी गलती मेरी ही है। तेजस का मैटर क्लोज होते ही तुम लोगों के हिस्से में जो मिलना है वो मिल जाएगा। वो बैग दो। इसके बारे में मामा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। यही जगह है हमारा लैंडमार्क। मैं और तेजस रात को ठीक 9 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से आधा किलोमीटर जब मैं दूर रहूंगी तो तुम्हें मिस्ड कॉल करूंगी। बिल्कुल इंसान लगे ऐसा ही एक पुतला तैयार करो मामा। मैं उसे उड़ाकर जैसे कि मैंने इंसान को उड़ाया ऐसे एक्टिंग करूंगी। फिर तुम खून से लथपथ तड़पते हुए सच में मर गए हो ऐसे एक्टिंग करना। उसे डराने के लिए इतना काफी है। एक्सीडेंट सीन खत्म होने के बाद मेरे आने तक वो जगह खाली कर देना। और कोई शक है? प्लान बहुत परफेक्ट है चित्रा, एक बार किस करने दो ना। तेजस, नो। अंजलि, कोई मर गया है तेजस। अंजलि क्या हुआ? मैंने किसी की जान ले ली है। या, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजलि मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। अंजलि, अंजलि, अंजलि तुम कहाँ जा रही हो? अंजलि तुम कहाँ गई? अंजलि कहाँ हो? अंजलि कहाँ गई तुम? अंजलि, 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 अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि, अंजलि उठो, चलो चलो यहाँ से चलो। अंजलि शांत हो जाओ, जो होना था सो हो गया, बुरा वक्त था। अब सुबह के 5 बज रहे, इस वक्त कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर श्याम सुंदर, अंदर आ सकता हूँ क्या? ओह नो तेजस, ये एक्सीडेंट मेरे हाथों से हुआ है, मुझे अरेस्ट कीजिए सर। अंजलि तुम चुप रहो। हिट एंड रन केस, एक बार FIR फाइल हो गई तो इंडिया के बाहर कभी नहीं जा पाओगे। आप मुझे बताइए क्या करना होगा सर।
आप प्लीज अंजलि को अरेस्ट मत कीजिए सर, प्लीज। अच्छा तेजस, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अंजलि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ये कहने की जरूरत नहीं अंजलि, तुम बस जल्दी आ जाना, फिर हम दोनों एक साथ ही रहेंगे हमेशा। मैं भी कब से उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, चलती हूँ, बाय। मंजा, इन पैसों से कोई भी अच्छा सा सेंट खरीद सकते हो, लेकिन इन पैसों की जो खुशबू है ना, वो संसार में किसी भी परफ्यूम से नहीं मिलेगी, है ना? बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो रवि दिखाई नहीं दे रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तुमसे कुछ बात हुई क्या चित्रा? पीछे से मेरा बैग निकाल। हाँ? निकाल ना। अंजलि रवि मर गया क्या? चल देखो, शिव को सब कुछ पता चलने के बाद भी वो मेरे पास नहीं आएगा, पता है क्यों? उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, वो एविडेंस पाने के लिए ही मेरे पास आना चाहता है। हमें जरा संभल कर रहना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से शिव को विक्रम से नहीं मिलने देना। हाय विक्रम। हाय चित्रा। मैं ही तुम्हें फोन करने वाली थी, थैंक गॉड तुम्हारा ही फोन आ गया। चित्रा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा कि तुमको कॉल कर लूं। तुम मुझे कितने अच्छे से समझ चुके हो, थैंक यू सो मच विक्रम। कल मेरे भाई के ऑपरेशन होने तक क्या होगा कैसे होगा यही सोच सोच कर मैं बहुत घबराई हुई थी। इफ यू डोंट माइंड कल तुम मेरे साथ रहोगे ना प्लीज? ये भी कोई बोलने की बात है? मैं बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगा और ऑपरेशन होने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच विक्रम। ओके बाय चित्रा। हेलो। हे जॉनसन, मैं राजा शेर बोल रहा हूँ, मेरा फोन उठाने का टाइम नहीं है क्या? सर आपका ही नहीं, मैं किसी का भी फोन नहीं उठा पा रहा था, मेरा फोन टॉयलेट में गिर गया था, अब ये टॉयलेट फोन हो गया है। सर सर मुझे दीजिए। हे कहाँ मर गया था तू? हाँ और तेरे फोन को क्या हो गया था? सर टॉयलेट में गिरे हुए फोन को हीटर से सुखाकर आपसे बात कर रहा हूँ। सर फोन को टॉयलेट लगी थी, मैं क्या करूँ? ठीक है चलिए बता कि उन लोगों का कुछ पता चला। सर उड़दी मॉडर्न रोड पे एसकेएर एजेंसी होटल है सर, उस होटल में वही लोग ठहरे हैं सर। सर मैंने जितना भी उनका फोन ट्रैक किया वो सारे सिग्नल्स वहीं से मिल रहे थे सर। ठीक है हमें एड्रेस मिल गया, चलिए। हाँ, ए राजा शेर A407 प्रेजेंट सर, मैं यही हूँ ऑन ड्यूटी, कॉफी या चाय लाऊं क्या सर? Yeah.
बकरा सामने है, बकरे को हलाल करके मसाला तैयार करना बाकी है। Hey, वो हमें ही देख रही थी। लगता है उसे पता चल गया है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। अब गई भैंस पानी में, इतने दिन की मेहनत यूं ही बेकार गई। तुम टेंशन मत लो शिव, हम किसी भी तरह से पकड़ ही लेंगे। अरे क्या किया, मार दिया उसे। अरे हेल्प हेल्प, उठाओ उठाओ उठाओ, संभल कर संभल कर। ए बाहर निकलो। हे कौन है वो, इसे दिखाई नहीं दे रहा। तूने इसको मारा है। हे हम पुलिस वाले हैं, हम किसी को चेस कर रहे हैं। जिंदगी से बढ़कर तुम्हारा चेसिंग केस इंपॉर्टेंट है क्या? हे चल जाओ, इसे अंदर बैठाओ। संभल कर, चलो चलो चलो, निकलो यहां से, गाड़ी चलाओ। अरे भाई जल्दी चलाओ वरना ये बेचारा मर जाएगा। हेलो, तू उसे फॉलो कर रहा है ना? सर आप लोग चलते रहिए, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं सर। ओके ओके। मैडम जल्दी चलाइए, मैडम थोड़ा जल्दी चलाइए। गाड़ी को लेफ्ट लो। अरे लेफ्ट नहीं, सीधा चलिए, हॉस्पिटल आगे ही है, वरना ये बेचारा मर ना जाए। गाड़ी स्ट्रेट लो। सर आप लोग किधर जा रहे हैं सर? अरे जाते समय रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम उसे फॉलो करते रहो। विक्रम तुम्हारे फोन में सिग्नल है क्या? पता नहीं चित्रा, तुम चेक करो। इसमें भी नहीं है। सुनो, विक्रम बैंक से पैसा लाने के बाद उड़पी और कुंदापुरा के बीच कहीं गाड़ी रोककर राइट में ले लेना। फिर कोई सुनसान जगह देखकर मैं जोर से चिल्लाना शुरू करूंगी। ड्राइवर ये हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? ड्राइवर उसे बहुत, ड्राइवर गाड़ी रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। अरे हुआ क्या? कहाँ जा रहे हैं हम लोग पता नहीं। पैसों के साथ तुमने मुझे किडनैप किया है, ऐसे तुम एक्टिंग करना। ड्राइवर गाड़ी रोको। hey, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। सर ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, आगे वाले में चलते हैं। करके उतरो, तो मैंने कहा था कि इसी हॉस्पिटल चलना। प्लीज कहीं और चलिए सर। पुलिस वालों के साथ ज्यादा नाटक कर रहे हैं, होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरे साथ तेरे भाई को भी अंदर कर दूंगा। जाए क्या बोला? बहना सर जहाँ बोल रहे हैं वहाँ लेकर के चलो बहना। चल तेज चलाओ। सर जॉनसन को फोन कीजिए सर। तुम अपने फोन से एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ उसने चाकू घोंप दिया यार। सुनो गाड़ी रोको। शिव कहाँ जा रहे हो तुम? तो मैंने हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। शिव आर यू मैड? जान की बात को समझो, बहुत ही क्रूशियल टाइम है, डिस्कस नहीं कर सकते। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। सर मुझे आपका फोन दीजिए, जाओ इन्हें जल्दी ले जाओ। गाड़ी रोको ड्राइवर। सर आप लोग कहाँ हैं? सर पहले बताओ लोग कहाँ हैं। सर दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। ठीक है मेरा फोन ट्रैक करो। आपका क्या बात है सर? जल्दी ट्रैक करके बताओ वो लोग कहाँ हैं। सर आप नेटवर्क के लोकेशन के बहुत करीब हैं। सिग्नल मिलते ही बता दूंगा, आप चलते रहिए बस। ठीक है सर। सर सर मेन रोड से थोड़ा आगे मुड़ जाइए, वहाँ एक पंप मिलेगा, वहाँ से 1 ही किलोमीटर की दूरी पर है। ड्राइवर तुम गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कहाँ लेकर जा रहे हो? गाड़ी रोको। मैंने कहा कि कार को रोको। चित्रा 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 तुम ठीक तो हो ना? चित्रा कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? चित्रा छोड़ो। चित्रा तुम ठीक तो हो ना? ए तूने क्या किया चित्रा के साथ? छोड़ो छोड़ो। तेरी इतनी हिम्मत, तू चित्रा को मारेगा? Thank you.
आजा आजा ओ शूरवीर। सुना है आंखें आ गई। कॉम्रेड्स, सच में ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्या ये तुम इमेजिन कर सकते हो? हाँ, तो मुझे साफ नजर आ रही हो। थू, प्यार के नाम पर क्या खेल खेला है तुमने? तुम जैसी पैसों की भूखी लड़कियों के लिए प्यार का मतलब है सेक्स करना, स्मूच करना और यूज करके फेंक देना। अगर तुझे पैसों से इतना ही प्यार था तो कह देती मैं फेंक देता तेरे मुंह पे। हाँ? मुंह पर फेंक देता? ये बात सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। पूरी दुनिया में पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं तुम्हें पता है? उनमें से किसी एक को एक रुपया भी दिया है तुमने? नहीं ना, पर अगर कोई लड़की प्यार परोस कर रख दे तो कहाँ कहाँ छुपाए हुए पैसे ला कर रख देते हो, जानते हो क्यों? लड़की मिलेगी तो ऐश करेंगे, इसीलिए ना। तुम्हारा वीकनेस भी वही है तो फायदा नहीं उठाओगे। आजकल इस दुनिया में एक नियम सा बन गया है, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, देवदास पारो जैसे प्रेमियों के प्यार को अपने स्वार्थ के लिए मतलब होने तक इस्तेमाल करना और फिर फेंक देना। प्यार में धोखा देकर, किसी को लूट कर और फिर किसी दूसरे के साथ जाकर अपना घर बसा लेना, यही प्यार का मतलब है तुझ जैसों के लिए। तेरी जवानी पर फिदा होकर पता नहीं कितने लड़के तुझे पाने का इंतजार कर रहे हैं, जानती है ना तू? क्योंकि वो लड़के तुझसे दिल से प्यार करते हैं। एक लड़का जब एक लड़की से प्यार करता है तो अपने प्यार की खातिर वो खुद को भी पूरी तरह बदल लेता है। लेकिन कितना भी तूफान क्यों ना आए, वो तुझ जैसी लड़की को नहीं बदल सकता, क्योंकि तुझ जैसी लड़की इसे छोड़कर उसे और उसे छोड़कर किसी और को पकड़ती है। और ऐसी लड़की के खिलाफ अगर कुछ कह दिया तो बवाल हो जाता है। हेलो मिस्टर, तुम क्यों इमोशनल होकर बात कर रहे हो? देखो, तुम जैसे लोग हंसा सकते हो, रुला सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझ जैसी लड़की के लिए ये पैसा और सिर्फ ये पैसा ही सब कुछ करवा सकता है। सिर्फ मैं ही नहीं, ये पूरा संसार टिका है तो सिर्फ इन्हीं पैसों पर। तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ये पता चलते ही तुम्हारी कहानी खत्म कर देनी चाहिए थी। मुझसे प्यार करके अब यहाँ मरने के लिए मेरे पीछे आ गए तुम। तुझे जिंदा छोड़कर मैंने गलती की। तुम जैसे ट्रू लवर को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए। इसे ऊपर भेज दो।
मानता हूं कि तेरे पास पैसा रहेगा तो लोग तेरी इज्जत करेंगे, लेकिन तुझसे प्यार कोई नहीं करेगा। प्यार पाने के लिए रीति रिवाज, अपनापन, दुख दर्द समझने की भावना और इसके साथ ही अच्छा इंसान होना भी जरूरी है, और इन सबसे बढ़कर तुम्हारे अंदर एक औरत होने का गुण होना चाहिए। अफसोस तेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू औरत के नाम पर कलंक है। जानती है, तू एक औरत नहीं है बल्कि औरत के रूप में एक राक्षसी है। चाकू मार दिया सर। प्यार में धोखा मिलने के बाद भी सर ऊंचा रखना चाहिए। प्यार के नाम पर धोखा देने वाली को ही सर नीचा रखना चाहिए, समझे क्या? किसी को छोड़ना नहीं सर, एक एक को अंदर कर दो सर। चलो